बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इफ्तार और नमाज मगरिब के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये सेशन सवाल और जवाब का सेशन है। चीनी कहावत है कि जो शख्स सवाल पूछता है वो वक्ती तौर पर बेवकूफ़ समझा जाता है, लेकिन जो शख्स सवाल पूछता ही नहीं वो सारी उम्र बेवकूफ़ रहता है। तो हमें सवाल पूछ लेना चाहिए। सवाल पूछना वैसे भी ज़िंदा ज़हनों की अलामत है और ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की जस्तजू मौजूद है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरे अंदर कोई ख़ास सलाहियत नहीं है, बस मेरे अंदर ये खूबी मौजूद है कि मैं जस्तजू ज़िंदा रखता हूँ। तो जस्तजू ज़िंदा रखनी चाहिए। किसी मामले के मुतालिक मालूम ना हो तो जान लेना चाहिए, यह कुरान का भी हुक्म है और हमें सवाल पूछ लेना चाहिए। अहले इल्म ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि हमारे पास मौजूद हैं, हमें उनकी सोहबत मौजूद है, हमें उनसे बात करने की सहूलत मुयस्सर है, तो हमें सवाल कर लेना चाहिए। हमारी स्लाइड्स पे नंबर चल रहे हैं, आप इस पे कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और मुफ्ती साहब आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब देंगे। अपने मेहमानान का तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, आप मदीना यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं, रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं। सवाल और जवाब की जो नशस्त चलती है उसमें वो माशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई देते हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमद का शुक्रिया शेख। जज़ाकअल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हाफिज़ आशिक हुसैन भट्टी साहब हैं, खान का डोगरा से तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख आपकी आमद का भी शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें हमदे बारी ताला सुनाएँ। सारी दुनिया को चलाता है खुदा। आहा, आहा, क्या बात है। सारी दुनिया को चलाता है खुदा। बेशक बेशक। सारी दुनिया को चलाता है खुदा, रात से फिर दिन को लाता है खुदा। क्या बात, क्या बात है। रात से फिर दिन को लाता है खुदा, है खुदा वो खुदा बादशाह वो खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, तख्त पर उनको बिठाता है खुदा, तख्त पर उनको बिठाता है खुदा, है खुदा वो खुदा बादशाह वो खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। बेशक बेशक बेशक। जानवर इंसान उसका खाते हैं, जानवर इंसान उसका खाते हैं और परिंदों को खिलाता है खुदा, और परिंदों को खिलाता है खुदा, है खुदा वो खुदा बादशाह वो खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। मूसा का लश्कर परेशानी में था, मूसा का लश्कर परेशानी में था, मूसा का लश्कर परेशानी में था,
रास्ता उसका बनाता है खुदा, रास्ता उसका बनाता है खुदा, है खुदा वो खुदा बादशाह, वो खुदा सारी दुनिया को चलाता है खुदा। बेशक जलजले सैलाब और ये बारिशें, जलजले सैलाब और ये बारिशें अपनी ताकत भी दिखाता है खुदा, अपनी ताकत भी दिखाता है खुदा, है खुदा वो खुदा बादशाह, वो खुदा सारी दुनिया को चलाता है खुदा, है वही नेमत सिद्दीकी बादशाह, सबका मौला सबका दाता है खुदा, सबका मौला सबका दाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा। सुभान अल्लाह। हाफिज़ आशिक हुसैन भट्टी साहब, सुभान अल्लाह, आपने बहुत खूब अंदाज से हम्द बयान की। सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, के वो मालिक ही है जो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ चलाता है। सुभान अल्लाह, और अल्लाह करीम से ये इल्तिजा कि वो हमेशा अपने दर के फ़कीरों में हमें शामिल रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब सर, वजीफ़ा से दुआ से इब्तदा करते हैं, तो आज क्या तोहफ़ा दे रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अब्बास भाई, रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और हम फ़कीर पूरा रमज़ान एक कोशिश में लगे रहे कि अपने रब की रहमतें पालें, रहमतों वाली जन्नत पालें और उसके अजाब से बच जाएं, गुनाहों की माफ़ी ले लें। तो उसी सिलसिले में एक इंसान चाहता है कि उसको घर का सुकून मिले, घर के अंदर अमन हो, बच्चों की खुशियां हों, बीवी फरमाबरदार हो, बीवी चाहती है खामद मोहब्बत करने वाला हो। तो इस चीज़ को बहुत बड़ी नेमत शुमार किया गया है कि इंसान को अल्लाह ने घर दिया हो, बीवी बच्चे दिए हों और पुरअमन और पुरसकून ज़िंदगी वो उसमें गुजार रहा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस मकसद के लिए मोमिनों को एक दुआ सिखाई है, वही दुआ आज हम अपने नादरीन को बताएंगे कि जिस शख्स को ये शिकवा हो कि बीवी बच्चे उसके हाथ से निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शिकवा है जी, बिल्कुल, बहुत सारी परेशानियां, बच्चे बिगड़ गए हैं, देखते हैं बीवी फरमाबरदार नहीं है, घर में सुकून नहीं है, बेचैनी है, तो वो ये दुआ अपने रब के हुजूर गिड़गड़ा कर, गिरियाजारी करके अपने रब से ये मांगे, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा, कि अल्लाह हमें हमारी बीवियों और बच्चों से आंखों की ठंडक अता फरमा। आमीन। तो आंखें ठंडी कब होती हैं? जब मोमिन को नज़र आए कि उसकी बीवी भी रब की रजा के लिए हर नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। खामद नफल पढ़ रहा है तो पीछे मुड़ के देखा तो बीवी भी नफल पढ़ रही हो, खामद ने कुरान खोला हुआ है तो बीवी भी रमज़ान में रातों में कुरान खोल के पढ़ रही है, बच्चों को देखें तो बच्चे भी कुछ नुक्कर में बैठा है, कुछ नुक्कर में बैठा है और वो कुरान पढ़ रहे हैं, तो आंखें ठंडी हो जाएंगी। बच्चे रोज़े रख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और वो मंजर कैसा होता है जब आपका सबसे छोटा बच्चा छोटे छोटे हाथों के साथ अपने वालदैन के लिए दुआ कर रहा है, आंखें खूब ठंडी होती हैं। जब आपका नन्ना मुन्ना आप उससे पूछें कि बेटा आप क्या कर रहे थे, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं दुआ कर रहा था, बेटा क्या मांगा? मालूम ही नहीं। उससे पूछो क्या मांगा, मैंने अब्बू के लिए दुआ की है, मैंने अम्मी के लिए दुआ की है, तो क्या बात है। तो ऐसे खुशनसीब घराने की तश्कील के लिए ये बेहतरीन दुआ है
जो मोमिनों को हर वक्त करनी चाहिए। रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। सुभानअल्लाह, क्या कहने। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इमरान अब्बासी साहब आज़ाद कश्मीर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब से मेरी खुशकिस्मती है कि इस प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ और आपसे सवाल कर रहा हूँ। उसमें मैंने ये सवाल करना था मुफ्ती साहब से कि एक तो जो आप फितराने के हवाले से कि अब्बासिया सैयद पे फितराना जायज़ नहीं है, और इस हवाले से ये सवाल है कि क्या वो गरीब हूँ फिर भी जायज़ नहीं है, और फिर जो मदरसे में या दीगर जगहों पर फितराना देते हैं वहाँ पर अब्बासिया सैयद के बच्चे भी तो पढ़ते हैं, तो क्या इस हवाले से मुफ्ती साहब से रहना चाहिए? दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि जो लोग सर्च किया एक बंदा अब्बासी है वो सैयद बन जाए कागजात के अंदर और वो अपनी यानी वो कबीला चेंज कर ले, इसमें इस्लाम क्या कहता है? तीसरा सवाल ये है कि लड़की अगर भाग जाती है और वली की इजाज़त के बगैर निकाह जायज़ है नहीं जायज़ा, वालिदैन की इजाज़त के बगैर भाग कर जो आजकल जो शादियाँ होती है, ये काउंटली मेरा ये सवाल आप मुफ्ती साहब से कर देंगे। जी बेहतर, जी बेहतर। जी भाई पूछ रहे हैं कि अगर सैयद घराने को फितराना नहीं दे सकते और वो गरीब हों तो भाई उनकी खिदमत करें ना, ज़रूर फितराना और ज़कात ही आपने उनको देनी है। अगर आपकी नज़र में वाकईतन कोई जेन्युइन सैयद घराना मौजूद है और वो ज़रूरतमंद है तो अपनी खुश नसीबी समझें कि आपके पास सैयद घराने की औलाद मौजूद है, तो आप उनको जाकर उनकी खिदमत करें, दुआएँ लें उनकी। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कहा जी वो जो कागजात में जाली सैयद बन जाते हैं कोई और नसब से उनका ताल्लुक है, बहुत बड़ा ऐब है। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उस शख्स पर जो अपनी निस्बत उस कबीले की तरफ करता है जो इसका वो है नहीं। ओके। जो अपने बाप के अलावा किसी दूसरे बाप की तरफ अपने आप को मनसूब करता है तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है, और ये शख्स जो खुद को सैयद घराने में घुसने की कोशिश कर रहा है तो इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा। ठीक है। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत नसीब फरमाए। बेहतर। फिर उन्होंने कहा जी बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में और बाहर वहाँ खाना जो पकता है वो सब के लिए आता है, तो जब सब बच्चों गरीब बच्चों के लिए खाना आया है तो बतौर गिफ्ट जो है बतौर हदिया अगर सैयद घराने का बच्चा भी वहाँ से खा लेता है तो कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी खादमा बरीरा थी, वो ज़ाहर है खादमा थी, तो उनको गिफ्ट में गोश्त मिला तो वो पक रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, आपने खाने के लिए कुछ मांगा तो आपको सादा सी रोटी और जैतून का तेल गालबन दिया गया, तो आपने कहा मुझे तो वो गोश्त की खुशबू आ रही थी वो किधर है, तो बताया गया वो तो बरीरा को किसी ने सदका दिया, तो आपने फरमाया बरीरा को सदका मिल गया, सदका उस पर हो गया, सदका अपनी जगह पहुंच गया, अब बरीरा हमारी है तो हम उसे गिफ्ट के तौर पर लेंगे, लाएं गोश्त भी लाएं। ठीक है। तो इसी तरह गरीब बच्चों के मदरसे में अगर वो बच्चा पढ़ता है तो सदका तो लोगों ने दिया उन गरीब बच्चों को, सही, तो अब खाना भी उनके लिए पका है। ठीक है। तो आप उनमें से गिफ्ट के तौर पर अगर ये सैयद घराने का बच्चा भी खा ले तो इंशाल्लाह खर्च कोई नहीं होगा। इसमें एक सवाल मैं भी अर्ज करना चाहूँगा, अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को सदका किया, कोई ज़कात दी, कोई चीज उसको दी है, और कोई तीसरा शख्स उसके घर से जाके फिर खा सकता है, तो मतलब उसी गरीब आदमी को जिसको आपने फितराना दिया है ज़कात दी है और वो खाना पका के तो आपको भी दावा देता है जी आ जाए, जिसने दी है वो भी खा सकता है, फिर उसने दावत दी है अब उसकी दावत कबूल करने के लिए वो खा सकता है। जी बेहतर। और उनका आखिरी सवाल था कि वली के बगैर निकाह, ला निकाह इल्ला बि वलीयिन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल क्लियर वादे फरमान है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। ठीक है। और जो खातून अपना निकाह वली की इजाज़त के बगैर खुद कर ले जी, तो फरमाया अय्युमा इमराति नकहत बगैर इज़्ने वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, तीन मरतबा फरमाया। अल्लाह अकबर। तो ये ताकीद है, शदीद ताकीद है, आपकी दुबान मुबारक से निकला हुआ एक लफ्ज भी काफ़ी था लेकिन आपने मजीद तीन बार कहा कि जिस खातून ने अपना निकाह खुद किया यानी वली की इजाज़त रजामंदी के बगैर तो उसका निकाह बातिल है, हुआ ही नहीं है ये निकाह। ठीक है। जी बेहतर। तो अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो उनको फौरी जुदा करने की ज़रूरत है। जी ओके। शफाकत साहब हैं गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई गेस इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। शेख सवाल है कि किसी ऐसे शख्स को जो ज़कात का मुस्तहिक है उसे ज़कात देनी है तो क्या ज़कात के पैसों से उसको हज करवाया जा सकता है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
ज़कात के पैसों से हज किया जा सकता है। ओके। हज करने के लिए अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने हज पर जाना है और भाई आप मुझे अपनी ज़कात की मदद से ही मदद दे दें, ठीक है, तो बिल्कुल जायज़ है, दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी फ़ी सबीलिल्लाह में आ जाएगा, इब्न सबील में आ जाएगा, मुसाफर है, सफ़र पर जाना चाह रहा है और सफ़र की मदद ज़कात की मदद से की जा सकती है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो ज़कात दे रहा है वो तख़सीस नहीं कर सकता, वो बस वो उसको खुद दे नहीं दे। गए कि लो भाई मैं पैसे आपको इसलिए दूंगा कि आप उम्रा करें या आज का नहीं, वो गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो आप उसको दे दें, अब वो इससे उम्रा करे, वो इससे अपना इलाज करवाए, वो अपने घर की ज़रूरतें पूरी करे, वो उसका मसला है। जी ठीक है सर। नाज़रीन यहाँ पर हमें एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ आशिक हुसैन भट्टी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा है और पलट के आपकी खिदमत में आ रहे हैं। वेलकम बैक। पैगाम टीवी की ब्लेस रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। ये सेगमेंट ख़ास तौर पे आप सब के लिए किया जाता है कि इसमें आप सवाल कर सकते हैं, आपके दिल में कोई एम्बिग्विटी है आप पूछ सकते हैं, मुफ्ती साहिबान हमारे साथ मौजूद होते हैं। इस वक्त जो हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद लतीफ़ साहब। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत लर्निड पर्सनैलिटी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अय्याम हैं, रहमतों वाले अय्याम हैं और अब ख़ास तौर पे हम बिल्कुल तकमील की जानिब जा रहे हैं और आज हमने पहले 26वां रोज़ा इफ्तार किया और आज 27वीं रात है और चौथी ताक रात है। लैलतुल कद्र की जस्तजू इंशाल्लाह ईमान वाले सब आज करेंगे। कुछ फरमाइएगा कि अल्लाह सुबहाना व ताला की रहमत, हम जहाँ भी पढ़ते हैं हमें रब की रहमत पढ़ने को, जहाँ समझते हैं रहमत समझने को मिलती है, सुनने को मिलती है, अल्लाह की रहमत की वसत क्या है? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। जी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भी आपका कि आपने इस इल्मी प्रोग्राम के लिए मुझ नाचीज़ का इंतखाब किया। अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसकी वसत की जो इंतहा है, इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है कि इन रहमती सबकत गज़बी। ऐसा ज़बरदस्त मैसेज है इंसानियत के नाम कि मेरी रहमत मेरे गैज़ो गज़ब गुस्से पर हावी है। अल्लाह ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को बता दीजिए, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, गफूर रहीम, सुभानअल्लाह, कि मेरे बंदो याद रखना, आगाह हो जाओ कि मैं बहुत ही माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ। अल्लाह वो रब्बे करीम जिसके जितने भी खूबसूरत अस्माए ग्रामी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना, उनमें से माँ सिवाय दो चार के सब नाम उसकी प्यार मोहब्बत ही की तरफ जो है वो हमें लाते हैं। अल्लाह तो बिला शक व शुबा रमज़ानुल मुबारक की ये मुकद्दस सातें, इसमें करने का काम अनाबत इल्लाह रुजू इल्लाह। 11 माह का भागा बिदका हुआ इंसान अल्लाह बारी ताला एक दफ़ा फिर बंदे को बुला लेता है। अल्लाह अकबर, बंदे अब तो आ जा, देख अब भी आ जा, मैंने तेरे बहुत गुनाह देख लिए लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह तेरे आसमानो जमीन भरने के बकदर भी गुनाह हो जाए तो बंदे मैं तो सारे माफ़ करने को तैयार हूँ। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो बस शिरक से बचना वो नाकाबले माफ़ी है और शिरक भी इसी सूरत में नाकाबले माफ़ी है कि अगर मरने से पहले इंसान उसकी भी तौबा कर लेता है सच्चे दिल से तो अल्लाह ताला तो उसको भी माफ़ कर देता है। सुभानअल्लाह। तो वो जो हदीस में मिलता है कि हर रात एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, या बागी अल खैरी अकबिल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि ए खैर के मुतलाशी सुभानअल्लाह आगे बढ़, आओ आगे बढ़ो, वया बाग ये शर्र अक्सर, और वो बुराई करने वाले इंसान अब तो पीछे हट जाए। तो रहमतों का ठाठे मारता हुआ समुंदर है,
بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نیکیوں کی لوٹ سیل لگا دی ہے. سبحان اللہ. بندو ہم نے انٹریاں ہی بند کر دی ہیں جہنم کی, اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہم نے تو جنت کے سارے راہ کھول دیے ہیں. وہ سب رستے کلوز ہیں جو تمہیں نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کی رحمتیں وسیع ہیں. جی جی, کیا اس کی کوئی انتہا نہیں. کالر ہیں شفاقت صاحب گجرات سے, شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے محترم. جی میں سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ یہ جو خطیب صاحب جمعے والے دن جی خطبہ دینے کے ٹائم میں جی منبر پر کھڑے ہو کے وہ جو عصا پکڑتے ہیں جی اس کے بارے میں شرعی کیا یعنی حیثیت ہے؟ جی بہتر. کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی. کوئی اور بھی سوال ہے؟ نہیں بس یہی ہے. جی سر. جی خطبے کے دوران وہ عصا ہاتھ میں لینا سنت بھی ہے, اور وہ خطیب کے لیے ایک روب اور دبدبے کی علامت بھی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے, خطبہ ارشاد فرماتے تھے, تو آپ گویا ایک ایسے ڈرانے والے کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہوتے تھے جو قوم کو بتا رہا ہو کہ بھائی دشمن حملہ آور ہوا ہی چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کے لہجے میں آواز آپ کی بلند ہو جاتی, اور آپ ایسے لشکر کو ڈرانے والے منظر کی حیثیت سے قوم کو ڈراتے کہ بھائی ایک طرف شیطان حملہ آور ہے, دوسری طرف جہنم منتظر ہے, بچ جاؤ بچ جاؤ. تو یہ جو لاٹھی ہے یہ اس دبدبے اور روب میں اضافے کا باعث ہے. اوکے. تو یہ ہاتھ میں رکھنا سنت سے یہ رکھنا چاہیے. جی بہتر. ایک سوال بھی ہے, شوگر کے مریض نے روزے نہیں رکھ سکتا تھا. ایک کالر بھی ہے مسز قیوم ہمارے ساتھ لاہور سے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محترمہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. آپ آن ایئر ہیں, آپ سوال کیجئے. میں نے وعلیکم السلام, میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ محترمہ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور آپ سوال کیجئے. ہاں جی میں نے بند کر دیا. ہاں جی میں نے آپ سے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم جب قرآن پاک شروع کرتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جی, کمپلیٹ کر لینے کے بعد مرحومین کو کیسے سالے ثواب کرتے ہیں؟ اچھا اس کا طریقہ بتائیں. نمبر دو, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میری بیٹی پچھلے 12 سال سے ان کے لیے نا مغرب کے بعد 2 نفل پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بتا اس کے متعلق بتا دیں. جی بہتر. ابھی رہنما جی, اسال ثواب کے جو طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں وہ کچھ سنت نبوی سے ہٹ کے ہیں. اچھا جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے نہایت محبوب اور پیارے چچا سیدنا حمزہ شہید ہوئے. جی ٹھیک ہے. آپ کی 2 زوجہ محترمہ سیدہ زینب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما یہ بھی وفات پا چکی تھی. جی. آپ کے 3 لخت جگر اللہ کو پیارے ہوئے, آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہوئیں, تو آپ کے بہت پیارے اور لاڈلے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. تو ہمیں آپ کی سیرت طیبہ سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا ہو یا آپ نے خود قرآن مجید پڑھ کے تو اس کا ثواب ان عظیم ہستیوں کو ہدیہ کیا ہو. تو جو چیزیں آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں فوت شدگان کے اصال ثواب کے لیے, ان میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ محترمہ اچانک وفات پا گئی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ اپنے خاندان کی سردار خاتون تھیں. مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا, کچھ دیر بیمار رہتی ٹھیک ہے, تو وہ ضرور صدقہ خیرات کرتی. مطلب کہ مہلت ملتی, مہلت ملتی تو وہ صدقہ خیرات ضرور کرتی. تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم صدقہ کرو فائدہ ہوگا. تو یہ گویا فوت شدگان کو اصال ثواب پہنچانا, تو ان کے لیے صدقہ کریں. ٹھیک ہے, کوئی چیز بھی ٹھیک ہے, کسی غریب کا راشن لگا دیں, کوئی کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیسیں دینی شروع کر دیں, کوئی کنواں کوئی واٹر پلانٹ کچھ بھی. اور دوسرا طریقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں, کہنے لگی اللہ کے رسول میرے والد گرامی, یا ایک روایت میں کہ والدہ وفات پا چکی ہیں, حج نہیں کر سکے تھے, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو, ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ گئے ہیں دنیا سے اور حج اور عمرہ نہیں کر سکے تو ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو اصال ثواب کے لیے, وہ ہے بہترین دعا, کہ ان کے لیے آپ بخشش کی دعائیں کریں.
उनके लिए जन्नत की दुआएं करें, कब्र और जहन्नम के अजाब से बचाव की दुआएं करें, तो ये वो इबादत है जो आप हर वक्त कर सकते हैं और हर वक्त इसका सवाब उनको मिलता रहता है जी बेहतर। और जो नेक औलाद जितनी भी नेकियां करती है, तो वालदैन जो परवरिश करके गए हैं, तरबियत दे के गए हैं, तो नेक औलाद जितनी भी नेकियां करेगी साथ साथ वालदैन को भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। बाकी वो जो बेटी नफल पढ़ती है वालद के लिए, दो रकात, हाँ, तो वो नफल वालद के लिए नहीं, नफल वो अपने लिए पढ़ें, क्योंकि नफल इबादत नमाज जो है वो किसी की तरफ से अदायगी नहीं होती, ठीक है, तो वो नमाज बिल्कुल नफल पढ़ें और उसके बाद वालद साहब के लिए, वालदा के लिए दुआ करें, ठीक है। तो ये दुआ जो है ये बेहतरीन हदिया है जो जिंदा अपने फौजशुदगान को पहुंचाते हैं जी बेहतर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बुजुर्ग जो जन्नत में पहुंच चुके हैं उनका दर्जा अपग्रेड हुआ तो वो ऊपर वाले दर्जे में पहुँच गए। सुभान अल्लाह। तो वो पूछा उन्होंने कि अल्लाह मैंने तो जितने अमल करने थे करके आ गया हूँ, तो ये मेरी तरक्की कैसे? सुभान अल्लाह। तो उसको बताया जाएगा बिस्तिगफारी वाला देखे अलग, वो जो नेक औलाद दुनिया में छोड़ के आए हो वो तेरे लिए दुआएं करती है तो दर्जे बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह। तो फौत शुदगान के लिए सबसे बेहतरीन हदिया दुआ है, ठीक, तो दुआ का एहतमाम करना चाहिए। जी बेहतर। इस्लामाबाद से आयशा तारिक हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, जी बहन क्या सवाल आपका? बहुत अच्छा है, इतनी ज्यादा मतलब क्लैरिटीज हो जाती है ना, मुख्तलिफ जो नहीं हमें मालूम होती चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी क्वेश्चंस के जरिए बहुत अच्छी क्लैरिटीज हो जाती है। पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं एजुकेशन के लिए यूएसए जाना चाह रही हूँ, तो मैं जा सकती हूँ? क्योंकि मैंने पहले मास्टर्स किया हुआ, मैंने सेकेंड मास्टर्स के लिए वहाँ अप्लाई किया है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया, तो मैं वहाँ पर एजुकेशन के लिए जा सकती हूँ? अगर एजुकेशन के बाद वहाँ मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं वहाँ जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ। ठीक है, आपका कोई उस सफर में कोई महरम भी साथ होगा आपके? जी जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ होंगे। जी ठीक है, जी ठीक है, पूछ। और लेकिन मुझे कहा गया कि आप अपनी मतलब इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप मतलब इस्लामी मुल्क पाकिस्तान से जाके आप यूएसए में जाके आप वहाँ पर काम करेंगी, तो ये हलाल नहीं है, तो क्या ऐसा ही है अगर मैं मास्टर्स के बाद वहाँ पर जॉब करूँगी? जी ठीक है बहन, ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। आप टीवी पे देखिए, मुफ्ती साहब अभी इसकी रहनुमाई दे रहे हैं। तो अगर ये बहन अपने खामद के साथ जी अमेरिका शिफ्ट होना चाह रही हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, वहाँ जाएँ, वहाँ पढ़ें, वहाँ रिजल्ट कमाएँ और फिर वापस आना चाहें तो आ जाएँ, ना आना चाहें तो वहाँ पर लाखों मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है। आप उस मुआशरे में भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस्लामी शायर पर अमल नहीं कर सकते। कोई ऐसा मुआशरा जहां आप पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी हो, जहां आप रोज़ाना रख सकते हो, जहां आप अपनी इस्लामी इबादत अदा ना कर सकते, ठीक है, तो उस मुआशरे में जाने से मना किया गया है, वहां ना जाएं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मुआशरा जहां आप पर कोई पाबंदी नहीं, और यूएसए में मेरा एक स्टूडेंट है वो कहता है जी मैं एक कंपनी में काम करता था तो मैंने उनको रमज़ान आने से पहले लिख कर रिटर्न दिया जी मेरे लिए रमज़ान आ रहा है तो मेरे लिए इस्लामिक आदाब ये हैं, आपकी ड्यूटी के दौरान मेरी इफ्तारी का टाइम आएगा और ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, तो कहते हो वो मेरी कंपनी ने मुझे एक अलग रूम दिया नमाज के लिए और करीबी मस्जिद से उनके स्पीकर का कनेक्शन यहाँ दिया जहाँ अज़ान होगी, अल्लाह अकबर। और कहते मेरे जितने कुलीग थे उन्होंने लंच छोड़ दिया इस एहतराम में कि हमारे भाई का रोज़ा है। माय गॉड। तो उस माशरे में जहां आपको इतनी इस्लामी आज़ादी मौजूद हो वहां जाने में कोई कबाहत नहीं है, ठीक है। तो ये बहन जाएं, तालीम हासिल करें, अगर वहां रिजक कमाने के लिए रुकती हैं रुक जाएं। हाँ, कोई ऐसा इलाका जहां आपको अपनी इस्लामी इबादत में रुकावट हो, इस्लामी कायद में रुकावट पेश आ जाए तो वहाँ से मुंतकिल होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। जी बेहतर। जनाब डॉक्टर साहब, आखिरी अशरा है और आखिरी अशरा भी उसके 6 रोज़े गुजर चुके हैं पीछे, हम यूँ कह लेते हैं 3 या मैक्सिमम 4 रोज़े बाकी हैं, तो हम कैसे रहमत इलाही के हकदार बन सकते हैं, हमें कैसे आमाल करने चाहिए, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रहमत समेट सकें? देखिए जी, इसके लिए बिला शक व शुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर तरीक़ा मुबारक की तरफ हम आगे बढ़ें तो आ जनाब अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के आखिरी अशरा में इतकाफ़ किया, दुनिया से डिस्कनेक्ट होना चाहा। वो हदीस में है ना कि अहया लैलहु शद्द मिज़रहु अयक़ज़ अहलहु, और फिर ये कि अल्लाह के रसूल वो जिद्दोजहद करते थे आखिरी अशरा में, माला यजतहिदु फ़ी ग़ैरिही, जो रमज़ान के अलावा नहीं करते थे।
तो इसलिए यहाँ आज हम देखते हैं कारोबारी तबका, बिजनेसमैन भी बहुत मसरूफ़ होता है इस ईद की मसरूफियत। ठीक है, दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपनी रहमतों के दर खोल दिए हैं। क्या कहें, क्या कहें, अब जबकि दोनों साइड पे कंपटीशन एक दुनिया भी और आखिरत की तरफ भी है। देखिए ये कड़ा इम्तिहान है, साल भर मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपनी स्ट्रगल काविश करता हूँ, तो अब हमें कैसे बढ़ना चाहिए। देखिए जी, अनाबत इल्लल्लाह और रुजू इल्लल्लाह, इसकी तरफ बढ़ते हुए ये अपने नफ्स के मुहासबे का वक्त है। इंसान अपनी रातें उसको जगाए, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुख्तस करे, अलग हो जाए। इतकाफ़ अगर नहीं कर सकता, जबकि वैसे तो इतकाफ़ इतना अच्छा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर किया है, और अगर कहीं मिस हुआ है तो आइंदा अल्लाह के रसूल ने उसकी पेनल्टी के तौर पर 20 दिन लगाए हैं इतकाफ़ के। ठीक है, सफ़र पेश आ गया, मक्का फतह का रमज़ान मुबारक है, इतकाफ़ किया जा सकता है। अच्छा, बाकी भी जानेंगे। एक कॉलर हैं, शहीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या सवाल है आपका? मेरे तीन सवाल है। सवाल मेरा ये है, पहला कि मेरी दादो अम्मा बुजुर्ग हैं, मतलब क्योंकि 80 साल उम्र है। जी 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 मेरे भाई, आप सवाल कीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि भाई आपका पहला सवाल समझ नहीं आया। आपने फरमाया आपकी ग्रैंड मदर है, दादी हैं। जी जी, दादी मेरी, ठीक है, वो बुजुर्ग है, मतलब 80 साल तकरीबन उनकी उम्र है। जी जी, और वो बेड पे नमाज पढ़ती है बैठ के, क्या ये जायज है? अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि उनको अपने वालिद की तरफ से जायदाद मिली है, उन्होंने मस्जिद के मतलब के सपोर्ट कर दी है। ओके, सही है। और मस्जिद आगे उस एक बंदा है, वो वहां पर खेती बाड़ी कर रहा है, फसल फसल मतलब के, ठीक है, आधी फसल वो मस्जिद में देता है और आधी अपने घर लेके जाता है, क्या ये जायज है? ठीक है। तीसरा सवाल ये है, सवाल ये तीसरा के कज़ा नमाज जो होती है जी, ये किस वक्त पढ़नी चाहिए और ये कैसे पढ़नी चाहिए, क्या मतलब किसकी नीयत क्या होनी चाहिए, और ये जो जो नमाज घुस जाती है ये किस टाइम पढ़नी चाहिए? जी बेहतर है, अभी इसकी रहनुमाई ले लेते हैं। जी शेख, पहली बात तो ये कि माशाल्लाह दादो 80 साल के ऊपर हैं और मौजूद हैं, तो भाई खुशकिस्मत है, उनसे दुआएं लें। अल्लाह, और अम्मा जी इस उम्र में अगर वो खड़े नहीं हो पाते तो उनके लिए बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। ठीक है, बैठ भी कैसे सकती हैं, जैसे वो बैठ सके, जैसे उन्हें सहूलत है, जैसे उन्हें सहूलत है, चेयर पर बैठ के, बेड पर बैठ के, नीचे जायनमाज पर बैठ के, जैसे वो आसानी से बैठ सकें और पढ़ सकें वो नमाज पढ़ लें, उनके लिए सहूलत ही सहूलत है। जबरदस्त। और जायदाद उनको उनके वालिद साहब की जानिब से कोई मिली, यानी दादो को उनके वालिद साहब की तरफ से जो मिली, तो वो अब इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो इनके बच्चों की है ना जी, अगर जब तक जिंदगी है इनकी है, ठीक है, और इनके बाद ये इनके बच्चों की है जी। अगर ये किसी को वक्फ करती हैं तो एक तिहाई तक कर सकती है। ओके, सारी नहीं, सारी नहीं, ठीक है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, अगर कुल जायदाद यही है, ठीक है, अगर कुल जायदाद यही जमीन का टुकड़ा है तो फिर ये पूरे का पूरा वक्फ नहीं कर सकती, उसमें से एक तीसरा हिस्सा वो कर सकती है और बाकी उनके बच्चों का है। और अगर जायद है, जायद काफी ज्यादा, और ये वाला प्लॉट टुकड़ा है, फिर कोई अर्ज नहीं है, फिर वो अल्लाह का, अगर ये 1/3 के अंदर आता है तो फिर कोई अर्ज नहीं है, फिर ठीक है, ठीक है। और अगर ये टोटल जायदाद यही जमीन ही है तो फिर बाकी बच्चों का भी हिस्सा है, तो इसमें से 1/3 दे दें, ठीक है, या फिर बच्चों से रजामंदी ले लें। जी बेहतर, बच्चे खुशी से कहें अम्मा जी कोई बात नहीं आप दें अल्लाह के घर को, ओके, फिर सब की तरफ से हो जाएगा। जबरदस्त। और कज़ा नमाज, और कज़ा नमाज भी हमारे यहाँ पता नहीं इसको क्या समझा जाता है कि कज़ा नमाज कोई अनोखी चीज है। भाई कज़ा नमाज मोमिन की होती है 1, 2, 3 हद, सोया रह गया है, बीमार था, उठ नहीं सका, 2-4 नमाजें बीमारी की वजह से रह गई। कज़ा का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मैंने 25 साल नहीं पढ़ी तो अब मैं उसको कज़ा दूंगा, या 30-40 साल पहले तक जो नमाजें नहीं पढ़ी अब अल्लाह ने दया दिया तो वो सारी पढ़ूंगा, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ठीक है, तो इन भाई साहब को क्या करना है, जो नमाज रह गई है किसी वजह से, उज़र की वजह से, तो जैसे ही वो उज़र ख़त्म हुआ तो फौरी पढ़नी है। ठीक है, एक बंदा सोया रह गया है और वो असर के बाद उठा है, जोर रहती है, ठीक है, तो वो जैसे ही उठा है वो पहले जोर पड़े फिर असर पड़े। जी बेहतर, जी बेहतर। और अगर बीमार था, अल्लाह ने सेहत दी है, इफाका हुआ है, तो जैसे ही सेहतमंद हो जाए फौरी नमाज पढ़ ले, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने तक उसको मौखर करना दुरुस्त नहीं है। जी बेहतर, फौरी तौर पे फौरी उसको अदा कर लीजिए। अबू बकर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, क्या सवाल है? जी सर, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मेरे दादाजी हैं, उनकी 90 साल उम्र है। माशाल्लाह जी, तो उनके साथ मसला ये है कि उन्हें ना उनके कपड़े नापाक
उन्हें कहा अच्छा उन्हें शक पड़ जाता है उन्हें ना, मतलब नापाक हो जाते हैं। एक सवाल ये है कि जब भी वो मतलब सजदा करते हैं एक या दो की उन्हें याद नहीं रहता। तीसरा सवाल ये है कि हमारे जो बुजुर्गों की कब्रें हैं ना उनके मतलब निशानदेही हुई है आसपास कि ब्लॉक्स लगाए हैं सिर्फ उनकी निशानी के लिए, कब्रें कच्ची हैं, इनके बारे में कोई रहनमई करते। ठीक है, वो आपने बड़े बड़े पत्थर रखे होंगे। जी ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक होते हैं जी। ठीक है जी जी, चार दीवारी की सूरत है जी उसको ब्लॉक बिल्कुल। तो पहली बात है वो बुजुर्ग जो इतने माशाल्लाह बुजुर्ग हो चुके हैं, अब अगर वो भूल जाते हैं तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लें। ठीक है कि मेरा सजदा एक हुआ था या दो हुए थे, तो दो और एक में शक है तो एक तो पक्का है ही। ठीक है तो दूसरा कर लें। ओके, और अगर नमाज पढ़ने के बाद फिर शक हो गया है कि पता नहीं एक था कि दो, तो इस तरह के वहम को झटक दें कि नहीं मैंने पूरी पढ़ ली। ठीक है, क्योंकि ये वहम जैसे जैसे मजबूत होता है ना फिर बंदा परेशान होता है। ओके, फिर हर वक्त वो शैतान भी आकर परेशान करता है। ओके, तो अगर यकीन हो कि वाकईतन मैंने सजदा एक ही किया था तो फिर वो एक रकत पूरी पढ़े। ठीक है, फिर तशहद पढ़ें और एंड पर सजदा साफ करके सलाम करें। ठीक है, और वो ये ख्याल नहीं रहता नापाक तो नहीं हो गए। हाँ, तो वो भी कन्फर्म करें, शक की बुनियाद पर कोई काम नहीं है, कन्फर्म कर लें। अगर पेशाब के कतरे निकल गए थे ठीक है तो वो कपड़ा धो लें, कपड़े चेंज कर लें और फिर वुदू करके नमाज पढ़ लें। ठीक, और अगर खाली शक ही है तो शक को हटा दें, कन्फर्म करें जो बात भी। जी बेहतर, जी बेहतर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि रहमत इलाही के हकदार हम कैसे बन सकते हैं, आपने एक पॉइंट फरमा दिया था, मजीद उस पर रहनुमाई फरमा दी जी। उस पर अगली बात यह है कि चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह बारी ताला का जिक्र अपनी ज़ुबान से जारी रखें। सुभान अल्लाह। कसरत इस्तिग़फ़ार, आप यकीन कीजिए आज के हमारे बहुत सारे मसाइल का हल इस कसरत इस्तिग़फ़ार के अंदर छुपा है। सुभान अल्लाह। मुआशी हालात का रोना हम रो रहे हैं, हम में से हर आदमी परेशान है कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, तो आखिरी अशरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक बनाए रखे, जोड़े रखने का बेहतरीन फार्मूला यह है बंदा अपना चलता फिरता उठता बैठता कसरत इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाए। सुभान अल्लाह। तहज्जुद को बिल्कुल जो है वो तरक ना करे, इसी तरह इशराक की नमाज, नवाफिल आमाल की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो ये असल में बंदे और अल्लाह के माबैन एक ताल्लुक की एक बेहतरीन फॉर्म है, कैफियत है कि बंदा अल्लाह के कैसे करीब हो सकता है। थोड़ा तन्हाई इख्तियार करने की कोशिश करें, अगर वो चाहता है कि मैं क़ियामुल लैल के लिए मतलब अगर मस्जिद में जाना चाहे तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आइसोलेशन हो तो मैं इसे ज़्यादा बेटर समझता हूँ। घर की छत हो, घर का एक कोना हो, अपने घर वालों से थोड़ा अलग थलग होगे, अपना दिल अल्लाह की तरफ लगा ले, उसमें फिर अपने गुनाहों को याद करें, रो ले अल्लाह अकबर, जिन आँखों से आंसू जारी हो गए उन आँखों पर अल्लाह ताला जहन्नुम की आग हराम कर देता है। क्या खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। यहाँ एक कॉलर है मोमिना हमारे साथ हैं गुजरांवाला से, इनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम जी बहन, क्या सवाल है? जी मेरा मुफ्ती साहब से दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर किसी शख्स का कोई वफात पा आ जाता घर में से जी, तो वो ईद नहीं मनाते कि आपने नए कपड़े नहीं पहने, मतलब ईद की खुशियाँ नहीं मनाते। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई बार बार शख्स उम्रे पे जाता है तो आसपास वाले लोग कह जाते हैं कि आपने उम्रे पे जाए जाना, यही पैसे कहीं और खर्च कर लो, तो ये ऐसा कहना कैसे है? जी बहन अभी पूछ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले पर राजी होने वालों से मालिक राजी हो जाता है। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं इस पर शुक्र, और जो वो वापस ले ले उस पर सब्र, उस पर सब्र और उस पर राजी हो जाने से वो मालिक खुश होता है। और फौत होए दो तीन चार पाँच माह हो चुके हों और ये पहली ईद आ रही है और घर वाले सारे सौगवार बैठे हों, तो गोया ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस नेमत की नशुक्री हो जाएगी जो अभी उसने दी है। और फिर वो जो चार पाँच माह पहले अल्लाह ने जो भी अजीज़ आपका वापस लिया उसका अभी तक आप सौग मनाएं, तो ये उसकी रजा और कदर पर नाराज़गी का इजहार भी है कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पर नाराज़गी का इजहार करना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। और अल्लाह ने जो ईद की खुशी मुसलमानों को दी है वो खुशी के साथ ना गुजारना ये भी जुर्म है, तो अपने इस रवैये को तब्दील करना चाहिए। जो फौत हो गया है उसके लिए दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए दुआएं करें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनकी कमी और कोताही मुआफ़ फरमाए। और जो मुसलमानों की ईद है इसमें शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है। ईद वाले दिन खूबसूरत लिबास पहन के खुशबू लगा के मर्दों को ईदगाह जाना चाहिए। ठीक है।
तो इस वक्त ईद के दिन सौ की कफियत बनाना ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, और अगर कोई और उसकी बेवा मौजूद हो, फिर बेवा की अगर इद्दत गुजर चुकी है, फिर वो अगर तो वो इद्दत में है तो फिर तो हुक्म है ना कि वो सौग में रहेगी। ठीक, और अगर इद्दत के माँ गुजर चुके हैं तो फिर उसको भी ईद गुजारनी चाहिए मुसलमानों की तरह। जी बेहतर। और दूसरा उनका और दूसरा सवाल है कि उम्रा बार बार लोग कहते हैं जी यही रह गया काम, कोई और भी काम, तो ये नियतों को अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ताबिऊ बैनल हज वल उम्रा, कि हज और उम्रा पैदर पै करते रहो, मुसलसल करते रहो। वजह कि ये गुनाहों की सफाई का जरिया भी है और रिजक में इजाफे का जरिया भी है। ठीक है, रिजक में इजाफे हो तो खर्चा आता है जी, रिजक में इजाफा कैसे होगा, बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो हज 8-10 लाख पे चला गया है, तो उसका मतलब ये है कि गुनाहों की माफ़ी होगी, अल्लाह का कुरब हासिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा सुभान अल्लाह वयरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब। जब गुनाहों की वो बंदिश टूट गई, अल्लाह और बंदे का ताल्लुक बहाल हो गया, तो फिर रिज़क में फरावानी आएगी। तो इसलिए फरमाया बार बार हज उमरा करो। सुभान अल्लाह। तो जो बार बार जाता है दीगर मसाइल भी अपने वो सारे हल कर रहा है, किसी का हक तो नहीं खा रहा ना, अपने पैसों से जा रहा है तो वो बिल्कुल जाए, उसको जाना चाहिए। अलबत्ता ये रवैया गलत है कि जिन लोगों का कर्ज देना है उनको तो नहीं देना, उनको टरखाए जाना है और उमरा फैमिली समेत जा रहे हैं। मैंने खुद एक ताजर को सुना, वो चीख रहा था, कहता हाजी साहब आप हर उमरे पर फैमिली समेत जाते हो, मेरा क्या कसूर है, मेरे पैसे तो दो, मेरा गुनाह क्या है कि मैंने आपको उधार दे दिया। वो पीट रहा था कि आप पूरी पूरी फैमिली लेकर उमरे पर जा रहे हैं और जो मेरे पैसे देने हैं वो इतना अरसा हो गया आप मुझे नहीं दे रहे। तो ये रवैया गलत है। अगर आप हकूक नाज दे चुके हैं और आप अपने माल से उमरा करने जा रहे हैं तो बेशक हर महीने जाएं। सुभान अल्लाह, ये सआदत है, सआदत है, सआदत है। जज़ाकअल्लाह। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि रहमत को समेटा जाए, आपने उसके लिए फरमाया कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, नवाफिल इबादात का अहतमाम किया जाए, इस्तगफार का अहतमाम किया जाए, और क्या इसमें हम अमल जो है करने चाहिए? देखिए जी, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत ये बेहद ज़रूरी है। ओके, एक एक लफ्ज़ हर्फ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10-10 नेकियां, और फहम के साथ तिलावत। मैं बतौर ख़ास अपने तालिबे इल्मों को भी इस बात पे जोर देता हूँ, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान किताबें इनकलाब बनाई है। सुभान अल्लाह। ऊपर से देखकर पढ़ते चले जाना, बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर अजर नहीं है, क्रेडिट नहीं है, अजर तो अल्लाह ताला देता है, बिल्कुल है, मगर जिस किताब का फहम ही नहीं हासिल कर पाएंगे उसे अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना कैसे बनाएंगे, अमल की किताब कैसे बनेगी, हमें अल्लाह का डर कैसे आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक कैसे मजबूत होगा। तो फहम के साथ कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बना लेना चाहिए, रमज़ान हो या गैर रमज़ान। लेकिन रमज़ान की नस्बत से इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यह रमज़ान की जितनी बरकत है ये सारी कुरान की वजह से ही तो है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये सारे का सारा जो पैकेज है, ये जितनी भी ब्लेसिंग्स है रमज़ान मुबारक की, उसके पीछे सारा महवर दारो मदार कुरान ही तो है। अल्लाह कि इसी को हमने उतारा रमज़ान में, इसलिए रमज़ान को ये मुकाम दिया गया है, इस रात में उतारा गया, इस रात को ये मुकाम दे दिया गया है। उस नबी जिस पर उतारा गया वो नबी सारे नबियों से अफजल करार पाता है, जिस उम्मत के लिए भेजा गया वो उम्मत सब उम्मतों से अफजल करार पाती है। तो फिर वो सारी चीज़ों का मरकज़ और महवर कुरान ही तो है। तो कुरान के साथ लगता है वो खैर पा जी, बिलाशुबा। तो कुरान से जितना भी हो सकता है हमें अपना हकीकी मानों में ताल्लुक जोड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह से वो है कि लैलतुल कदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी अफवाज को माँ उनके चीफ के दुनिया पर भेज देता है, अंदाज़ा लगाइए इतनी अजीमुल मर्तबत रात के हेड और आर्मी चीफ आसमानी अफवाज का खुद भी नीचे उतरता हो रहमतें बंदों के लिए रहमतें लेकर। और कुरान एक ऐसी दौलत नेमत है कि जो फरिश्तों को खींच लाता है। हजरत उसैद इब्ने खुदैर का जबरदस्त वाकया है ना कि कुरान की तिलावत कर रहे थे रात के वक्त और कहते हैं मेरा घोड़ा साथ बंधा हुआ था, बच्चा लेटा हुआ है और मैं अपने पूरे तवज्जो इनहिमाक से कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, अचानक देखता हूँ कि घोड़ा भिदकने लगता है, तापने लगता है, मैं हैरान हो गया इससे क्या हुआ, मैंने पढ़ना रोक दिया, बिल आखिर फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ, वही सीन, आखिर मैंने पढ़ना बंद कर दिया, देखा तो खूबसूरत लाइट्स का एक फानूस है और एक कलेक्शन है खूबसूरत रोशनियों का, बिजलियों का, कुमकुमों का, आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठ रहा है। मैंने अगले रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद डिस्कस किया, अल्लाह के रसूल रात ये हैरान कुन मामला देखने को मिला,
आपने फरमाया इकरा या इब्न खुज़ैर, इकरा या इब्न खुज़ैर, खुज़ैर के बेटे तू पढ़ता ही रहता, तू पढ़ता ही रहता। फरमाया वो तो फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने के लिए आए थे, तू पढ़ता रहता, वो सुबह तक रहते, हत्ता कि आमतुन नास भी उन्हें अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते। कुरान वो दौलत है, फरिश्तों को खींच लाता है अपनी तरफ, इंसानों की तरफ, फरिश्तों के समेत। अल्लाह अकबर। तो इन्ना कुरान अल-फज्री का नमशूदा, फजर के वक्त पढ़ेंगे तो फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ताल्लुक बिल्लाह की जो बेस्ट फॉर्म है रमज़ानुल मुबारक और ये आखिरी दो तीन रातें जो हैं, हमें कुरान मजीद के साथ एक खसूसी ताल्लुक जोड़ना चाहिए। अल्लाह की रहमत के हकीकी मानों में वही लोग मुस्तहिक करार पाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो अल्लाह के कलाम के साथ अटैच रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई। आप खुद भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो और वो अपनी बुक्स जो उसकी टेक्स्ट बुक्स हैं सिर्फ पढ़ता रहे और समझे ना, तो वो इंजीनियर बनेगा कभी भी नहीं बनेगा। तो अगर हम कुरान पाक को जो अल्लाह ने हमारे लिए मैनुअल भेजा है, हमारे लिए रहनुमाई की किताब, अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो जिंदगी खूबसूरत कैसे करेंगे, बनेगी। अल्लाह अकबर, क्या कहने। मुफ्ती साहब एक सवाल है, आपसे पहले भी अर्ज किया था, शुगर का एक मरीज है और उसने अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा किया। जिस शख्स को फ़िदिया अदा किया उसको ये नहीं बताया कि ये रोज़ों का फ़िदिया है, तो उस शख्स के बेटे ने उन पैसों से अपने लिए किताबों की एक अलमारी तैयार करवा ली। सुभान अल्लाह, क्या ये अमल दुरुस्त होगा? पहली बात तो ये हम कई बार कह चुके हैं कि फ़िदिया देते हुए बताना ज़रूरी नहीं है, आप उसको गिफ्ट करके दे दें कि भाई ये लो ईद की ईद आ रही है तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट कबूल कर। वो तो आप ज़कात और सदकात के बारे ये में भी इसी कहते तरह है कि उसका दिल रखें, उसकी इज्जत रखें, उसको ये मत कहें कि ये कोई भी सदका है तो बताना जरूरी नहीं, उसको खामोशी के दें, ठीक है, छुपा कर दें जी बेहतर। और वो जो बच्चे ने उस फिदिये से अलमारी बनवा ली थी उसका बेहतरीन मसरफ उसने ढूंढा है, अल्लाह हू अकबर। उससे खाना भी खा सकते थे, उसके कपड़े भी खरीद सकते थे और उसने किताबों की अलमारी बनवा ली है तो ये बेहतरीन जगह पर खर्च हो गया है। हमारे जहन में यह है कि उससे सिर्फ खाना ही देना है ताकि वो खाएं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। जब आपने उनको पैसे दे दिए, अगर आप अनाज देते ठीक है वो तो और वो अनाज खाने के बजाय जरूरत से वो बेच लेते तो भी उनके लिए जायज़ था, ठीक है। जब फिदिया लेने वाला उसका मालिक बन गया है तो अब उसकी मर्जी है कि वो कैसे खर्च करे और कहाँ। जी बेहतर है, तो इन पे कोई हर्ज नहीं, जब अदा कर दिया और ये बताना भी नहीं कि दिल आजारी ना हो। लाहौर से शाजिया हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन क्या सवाल है? मुफ्ती साहब को मेरा सलाम चाहिए और मैंने उनसे ये सवाल पूछना था जी कि किसी भी आलिम दीन के बारे में ये कहना कि ये आलिम मुझे पसंद है, इनका खिताब करने का अंदाज या तरीका मुझे पसंद है, क्या ये गुनाह है किसी औरत को ऐसा कहना? ठीक है। और दूसरा ये कि अभी इन्होंने फरमाया था कि एक बुजुर्ग जन्नत में चले गए और उनका दर्जा बढ़ा दिया गया, जी तो ये पूछना था कि क्या कोई क्यामत से पहले जन्नत में जा सकते हैं? जी बेहतर है बहन, अभी पूछ लेते हैं। जी शेख। अल्लाह अकबर। पहली तो है कि अपनी चाहत या अपनी मोहब्बत का इजहार अगर तो वो अपने लोगों के दरमियान अपने बच्चों के पास बैठ के अपने बहन भाइयों के यहाँ बैठ के इस किस्म को इजहार करती है तो कोई हर्ज भी महसूस नहीं होता है, इल्ला ये कि इस इजहार को कोई और जामाना पहना दिया जाए, ठीक है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। मसलन हमें इमाम हरमैन शेख शुरैम की तलावत बहुत पसंद है, हर शख्स उनका दीवाना है, उम्मत मुस्लिमा में बहुत मोहब्बत है उनके लिए। उम्मत जो है शेख सुदैस और शेख शुरैम की तलावत लगा के हर तरफ बच्चे भी सुन रहे हैं, बच्चियां भी सुन रहे हैं, कोई अर्ज नहीं है। हम इनकी तलावतें सुन के बड़े हुए हैं, अभी तक सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई हर्ज नहीं है। किसी भी की खूबी की बिना पर किसी शख्सियत के साथ अगर मोहब्बत हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात जो बहन ने पूछी कि वो जो अभी तो वो जन्नत में क्या कहा उन्होंने, वो पूछी थी कि आपने फरमाया कि बुजुर्ग का दर्जा जन्नत में बुलंद कर दिया गया तो क्या क़यामत से पहले वो जन्नत में चले गए? जी हाँ, जो मुसलमानों की रूहें हैं वो जन्नत में ही हैं, अल्लाह, और जो रूहें हैं गुनाहगारों की काफरों की मुनाफिकों की वो जहन्नम ही में हैं। ओके, मुंतकिल होना मुस्तकिल तौर पर जिस्म समेत ये क़यामत को होगा। ओके, कि जिस्म और रूह दोनों मिलकर जन्नत में या जहन्नम में जाएंगी, लेकिन अभी जब कोई शख्स फौत हो जाता है नेक है तो जन्नत में, ठीक है, और बुरा है तो वो जहन्नम में। जी बेहतर। हमारे साथ लाहौर से सना कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन क्या सवाल है आपका? बहन आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज सवाल कीजिए। मेरा आपसे सवाल है कि
मेरे दो छोटे बच्चे हैं जी। बहन आप टीवी पर तवज्जो मत दीजिए, आप ऑन एयर हैं, सवाल कीजिए। मेरा आपसे सवाल है कि मेरे दो छोटे बच्चे हैं, तो आपके सोते वक्त बहुत एग्जाम से उठ जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, रात को सोते नहीं हैं, बहुत डरते हैं रोना जाना जी। बेहतर, कोई और भी सवाल है जी शेख? वजीफा उनके दो बच्चे हैं और वो रात को सोते हुए डर जाते हैं, वो चाह रही हैं कोई वजीफा। अच्छा, माँ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो मुकाम और मर्तबा दिया है जी, तो ये सिर्फ इसलिए दिया है कि वो माँ है, इन्हीं तकलीफों की वजह से माँ को वो बुलंद मर्तबा मिला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे से कहा था, इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा, वालदा की खिदमत करो, वालदा के कदमों तले जन्नत। अल्लाहु अकबर। तो वो जन्नत ऐसे तो नहीं बन गई ना। अल्लाह अल्लाह। तो इन माओं को इसी हौसले और सब्र और मुशक्कत और मेहनत ही का ये सिला है। ठीक है, अब ये बच्चे दो हैं, ज़ाहरा दोनों छोटे हैं, बाज़ दफ़ा वो ज़िद में रोते होंगे कि माँ की तो जो मुझे मिले मुझे मिले। बच्चों में बिल्कुल ये बड़ी ये जुस्तजू होती है, कोशिश होती है। बच्चों में अगर उम्र का फर्क ज्यादा ना हो तो वो मामा पर कब्जे की जो जंग है वो बड़ी शदीद होती है, खासतौर पे जो बच्चा पहले से मौजूद है और जो फिर नया आने वाला है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, बहुत ज्यादा होता कि मेरी स्पेस ये ले तो अगर तो माँ की तवज्जो पाने के लिए बच्चे रात को लड़ते हैं रोते हैं तो फिर वालदे ग्रामी को भी अपना पार्ट अदा करना चाहिए। वो भी शफकत बांटे। ठीक है, और बच्चों को सुलाने में, उनको शफकत देने में, प्यार देने में थोड़ा सा एक दूसरे से कोऑपरेट करें। और कोई और वजीफा? अगर और वजीफा ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ के, आखिरी दोनों कुल पढ़ के बच्चों को दम करें, अगर नजर लग जाती है जी तो नजर बद का दम करें, तो दम करके बच्चों को सुलाएं, इंशाल्लाह वो सोएंगे। और कोशिश करें कि दिन को उनको ज्यादा ना सोने दें, ये भी एक वजह होती है कि बच्चा सारा दिन सोया जी, बिल्कुल फिर रात को जागता रहता है, वो वालिदैन के सोने का टाइम होता है और फिर वो परेशान है, तो ये थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है, ऐसी परेशानी वाली बात। आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के दम किया जाए जी, बेहतर है। डॉक्टर साहब, जब हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं और रमज़ानुल मुबारक अगर 1947 का हम देखें तो 26वें इफ्तार के बाद 27वीं रात, 27 रोज़ा यानी कि 27 रमज़ानुल मुबारक में हम दाखिल हुए तो हमें प्यारे पाकिस्तान का आज़ाद मुल्क का एक तोहफ़ा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान की और ख़ास तौर पर 27 रमज़ान की और क़याम पाकिस्तान की आपस में एक बड़ी प्यारी नस्बत है, तो वो कुछ वो जो तहरीक थी, तहरीक पाकिस्तान थी, वो जद्दोजहद थी, उस पर कुछ रोशनी फरमाते हैं आप? जी बिलाशुबा, क़याम पाकिस्तान जो है बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा इनाम और एहसान है, एक तोहफ़ा है जो इस मुबारक महीने और आखिरी मुक़द्दस सातों के दरमियान मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं थोड़ा सा ये बात ऐड करना चाहूँगा, देखिए तारीख इस्लामी में अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो बहुत बड़े बड़े फैसला कुन गजवात, बड़े मशहूर और अहम जंगें वो रमज़ान मुबारक में हुई हैं। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक कुफर और इस्लाम का पहला फैसला कुन मारका रमज़ान मुबारक में होता है, जंगे बदर की सूरत में मक्का फतह रमज़ान मुबारक में होता है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जो है एक मतलब जी मुसन्ना बिन हारसा को भेजा, एक बड़ी खून रेज जंग होती है जिसमें बिलाखिर मुसलमानों को फतह ये रमज़ान में हुई। बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे, रमज़ान मुबारक का महीना था, तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस फतह किया, रमज़ान मुबारक का महीना था, सुभानअल्लाह। वल्ला ये इस रमज़ान की नस्बत से एक बड़ी बड़ी जो है जंग है। इमाम इबन तैमिया रहमतुल्लाह का जिक्र भी साथ होता चला जाए, उन्होंने मंगोलों की तातारियों की जो कमर तोड़ के और खाक करके रख दी थी, जिसके बाद इनकी कुव्वत पारा पारा होकर रह गई थी, यह रमज़ान मुबारक का महीना था। अल्लाह होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े इनामात कुरान जो है वो रमज़ान में अता किए। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि ये जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मतलब पाकिस्तान का क्या, देखिए नो डाउट कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इनाम था, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर यह मुल्क हासिल किया और वो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। फिर देखिए कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ी तकलीफ दे कैफियत का सामना ये मुसलमानों को करना पड़ा, इसकी बिलाशुबा बड़ी भारी कीमत हमें चुकाना पड़ी, दुश्मनों की बर्बरियत और उनकी वहशतनाकी को ये हमें फेस करना पड़ा। ऐसी वहशतनाकी है, यकीन कीजिए कि इससे 1947 का क़याम पाकिस्तान और इसमें जो कत्ले आम था मुसलमानों का, इसे मुस्लिम होलोकॉस्ट का नाम देना चाहिए। यहूद जो आज जिस होलोकॉस्ट की बात करते हैं, अल्लाह की कसम अगर उसको
और वो जो वेस्टर्न नुमाइंदे थे, मसलन उस वक़्त का जो अखबार डेली मेल लंदन से चलता था, इसी तरह और उनके मुवक्कर जराइद, उनके नामा निगार जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया सब कॉन्टीनेंट में और जिसके अंदर खून आशाम तहरीक थी, अल्लाह की कसम वो बरबरीत और वहशत मचाएगी कि रहे पना खुदा की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिला शुबा ये एक इनाम हमें दिया, लेकिन अफसोस के मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं, कोई ऐसी क्यादत नहीं जो मुसलमानों को संभाल पाए और इस रहमत के महीने में उनको थोड़ा गाइड करने पाए। बस एक अफरा तफरा की, जी बिल्कुल, अफरा तफरी की एक कैफियत थी जो हमें फेस करना पड़ी। यहाँ पर मैं वो एक आपके सामने कोटेशन रखना चाहूँगा कि लंदन का वो एक मारूफ मौकर जरीदा है डेली मेल, उसका नुमाइंदा खुद बयान करता है, कहता है जब मैंने सब कॉन्टीनेंट को ऑब्ज़र्व किया, अमृतसर के करीब मैंने 4000 मुसलमानों का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा। बयान करता है कि जब एक वीराने घर के अंदर खड़ा होकर मैं हालात लिख रहा था, मेरी आंखों से आंसू मेरे उन्हीं कागजात के ऊपर जारी थे। और आप यकीन कीजिए, कहता है लॉर्ड माउंटबेटन ने और उसकी अहलिया ने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये मुसलमान बेचारे हिंदू के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने उनकी अच्छी तरह से तबीयत ठीक की, मैंने कहा वो बेचारे हिंदू जिन्हें आप कह रहे हैं, उन बेचारे हिंदुओं ने 4000 मुसलमानों का मेरी आंखों के सामने बहीमाना कत्ल किया है, औरतों की छातियां तक काट दी गई, बच्चे बिलकते बिलकते माओं के साथ लगे हुए अबदी नींद सो गए, वल्ला खोपड़ियों और सरों का इन्होंने हार बना बना कर अपने गलों में डाले। और वो इसी तरह वो बयान करता है कि जो ही बजरिया ट्रेन, ये नामा निगार जो है लंदन, इस मौकर जरीदे की बात मैं कर रहा हूँ, बयान करता है जो ही लाहौर से हमारी ट्रेन दिल्ली में दाखिल हुई, वो वहशतनाक मंजर में जो मेरी आंखों ने देखा, कहता है ज़िंदगी भर शायद मैं उसको भूल नहीं सकता। कुत्ते जगह जगह पर मुसलमानों की लाशों को भंबोड़ते हुए पाए गए, गिद्ध मुसलमानों की लाशों को नोचते हुए पाए गए। तो ये अल्लाह की कसम इस मुल इस रमज़ान मुबारक के अंदर हासिल होने वाले वतन की, हमारे नौजवानों को यकीन कीजिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, बिल्कुल काट दिया गया है। डॉक्टर सईद अहमद मलिक हैं, उन्होंने अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, छोटा सा किताबचा उन्होंने मुरतब किया है 1947 का मुस्लिम कत्लेआम, और बड़े रिलायबल सोर्सेज के साथ एक छोटा सा किताबचा है। मैं आज के नौजवानों को ये रिकमेंड करना चाहूँगा, ठीक है, और मैं हैरान हूँ कि आज भी हमारे मुसलमान इस बात पर मुसर है कि जनाब वो जो क्या में पाकिस्तान का बकुआ हुआ था वो मुसलमानों की गलती की वजह से है, हिंदू के साथ अगर आज हम मिलकर रहते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये बहरहाल है कि बहुत सारी कुर्बानियां थी जिसके बाद ये हमें मिला, और हमें लाजमी बात है अपनी यूथ को उसके साथ कनेक्ट करना ताकि उन कुर्बानियों की का हमें अंदाज़ा हो। जी बिल्कुल, और जब हमें अंदाज़ा होगा तो यकीनन हम इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, इसको आगे लेके बढ़ेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और आपके सवालात भी शामिल कर रहे हैं, और कुछ क्याम पाकिस्तान की, तहरीक पाकिस्तान की भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आज की इस शाम को एक ख़ास निस्बत है क्याम पाकिस्तान से, इस पर भी बात चलती रहेगी। नंबर स्लाइड पर चल रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, पलट के आपकी खिदमत में आ रहे हैं। वेलकम बैक, पैगाम टीवी की ब्लेस रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ये सेगमेंट खसूसी तौर पे सवाल और जवाब का सेशन है। आप इसमें सवाल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, और ये नहीं कि कर सकते हैं, आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो आपको वो पूछ लेना चाहिए। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये सवाल है, एक खातून ये जानना चाह रही हैं, मैं मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा कर रही थी कि मेरी बेटी रोने लगी क्योंकि वो मस्जिद के बाहर रो रही थी। जब उसे मस्जिद के अंदर मेरे पास लाया गया तो वो बुलंद आवाज़ से रोने लगी, ज़्यादा आवाज़ से रोने लगी।
तो मैं नमाज तोड़ने पर मजबूर हो गई, क्या मेरा ये फेल दुरुस्त है? कोई अर्ज नहीं है। पहली बात तो यह है, अगर नमाज के दौरान ही वो बच्ची को गोद में ले लेती, ठीक है, गले लगा लेती, ठीक है, बच्ची को हल्का सा प्यार करती और वो खामोश हो जाती और नमाज जारी रखती, तो ये भी दुरुस्त था, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई, नमाज तोड़नी ही पड़ी उसको चुप कराने के लिए, तो ये भी ज़रूरी था ताकि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब ना हों, उनकी नमाज में भी खलल ना आए, तो कोई बात नहीं, ये नमाज बाद में पढ़ लें, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। आमीन आमीन। हमारे साथ शेखपुरा से कॉलर मौजूद हैं, फ़ाइज़ा। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना है कि बाज़ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपने काबे की तरफ पांव कर लिए हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, काबे की तरफ पांव करके सोना नहीं है। तो मुझे ये पूछना है कि अब जब खाना काबा के लोग अंदर जाते हैं या जब गुलाब के काबा भी बदलते हैं तो वो फिर पांव के साथ ही होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद, पता नहीं, ये मुद्दे साहब मुझे बताएंगे ये गुनाह है कि नहीं। जी बेहतर, एक ही सवाल है? नहीं नहीं, दो तीन सवाल मेरे। जी जबरदस्त। पूछना था कि जो अहले किताब होते हैं, अगर आपको उनके जनाजे पे जाना पड़ जाए, या मतलब वैसे ही आप इसको जानते हो अहले किताब को, जी, तो आप उसके मगफिरत की दुआ कर सकते हैं, ठीक है। जी बेहतर। और एक मुझे ये पूछना था कि इस्लामिक बैंक जो होते हैं, जी, तो ये लोग कहते हैं हम बगैर सूद के आप सरमायाकारी करें, और मतलब आप इनके पास जाएं तो ये आपको फतवा भी दिखाएंगे मौलवियों के, ठीक है। वो मेरी बहन ने इस तरह एक इस्लामिक बैंक है, तो वहाँ पर उन्होंने अपने पैसे रखवाए, तो उन्होंने कहा कि इसमें सूद नहीं है, ये आप फतवा भी देख लें। जी बेहतर, हर महीने आपको पैसे, ठीक है बहन, ठीक है ठीक है, ओके। लास्ट सवाल भी है प्लीज, वो ये है कि जब आप तवाफ कर रहे होते हैं काबे का, जी, तो अगर उस दौरान आपका वजू फूट जाए, आपने तीन चक्कर लगाए हैं, तो आप दोबारा वजू करके आए तो आपको दोबारा से काउंट करना पड़ेगा या आप आगे कंटिन्यू? जी ठीक है, अभी पूछ लेते हैं, काबे की तरफ पांव करना। हाँ जी, हमारे यहाँ अदब ये समझा जाता है कि काबा शरीफ की तरफ पांव ना किए जाएं, ठीक है, चार पाई की पाइंती उसकी तरफ ना की जाए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ हमारा अपना जो यहाँ का लोकल उरफ है उसकी है, ठीक है। वरना शरण काबा शरीफ की तरफ पांव करने में कोई ऐसी बेअदबी है नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे मुआशरे में ये समझी जाती है। ओके। बल्कि वो शख्स जो नमाज भी कभी नहीं पढ़ता ना, इस बात पर वो भी आपसे उलझेगा, लो जी इसने तो काबे की तरफ पांव किए हुए थे, ठीक है। हालांकि अगर आप बैतुल्लाह में बैठे हुए हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, बैतुल्लाह पर नज़रें जमा के मज़े ले रहे हैं, और आप थक जाएं, तो आप अपने पांव सीधे कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इस, ठीक है, कोई हर्ज है ही नहीं। लेकिन चूँकि हमारे मुआशरे में इसको बेहद भी समझा जाता है, लिहाजा अपने मुआशरे में देखते हुए इसमें एहतियात कर लें तो अच्छा है। जी बेहतर हो गया, वरना शरण कोई कबाहत और जुर्म नहीं है, ठीक है। अहले किताब के जनाजा में शिरकत, अहले किताब हों या कोई दीगर मुशरिक काफिर हों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को ये हुक्म दिया है, मेरे नबी और मेरे नबी के साथियों के लिए ये हलाल और जायज ही नहीं है, ओके, कि वो किसी मुशरिक के लिए बख्शिश की दुआ करें, ठीक है। तो जनाजा बख्शिश की दुआ है ना, सही। तो लिहाजा किसी भी काफिर मुशरिक के जनाजे में शिरकत करना मोमिनों के लिए जायज नहीं है, ठीक है। और इस्लामिक बैंक में इन्वेस्टमेंट करना, कोई इस्लामिक बैंक नहीं है, माजरत के साथ इस बहन से कि इस वक्त दुनिया में इस्लामी बैंक नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और ये जो हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इस्लामी बैंक के नाम से बैंक फिरते हैं, ख़ुद इनके मुफ्तियान कराम ने, एक दो नहीं 50 मुफ्तियान ने, एक तरफ वो मुफ्ती हैं जो जिनको कहते हैं ना मौलवियों के फतवे पड़े हुए हैं वो हर कस्टमर को दिखाते हैं कि देखें ये फलां हजरत साहब का भी फतवा है कि ये जायज़ है, इनकी तरफ से अप्रूव्ड है, तो उन्हीं के 50 मुफ्तियान कराम ने इसी इस्लामी बैंक के करता धरता तमाम मैनेजर्स को बुला के कि हमें अपना सिस्टम समझाओ कि ये कैसे इस्लामी है, ठीक है। कई दिन के सेमिनार्स के बाद, उनकी सारे बातें सुनने के बाद, उन्होंने रिटर्न फतवा लिख के दिया है कि कोई इस्लामी बैंककारी नहीं है, ओके। तो फिर फिक्स डिपॉजिट करवाना, ये सारा ही सूद है। जी बेहतर, आप किसी इस्लामी बैंक में कराना चाहें तो उसमें कराएं या किसी गैर इस्लामी, बराबर। जी बेहतर। और तवाफ के दौरान अगर वजू टूट जाए फिर, तो जहाँ से टूटा है वहाँ से वजू करके आके वापस वहीं से शुरू कर ले, तीन हो गए चार हो गए तो जितने हो गए वो हो गए, बाकी पूरे कर ले। जी बेहतर है। समुद्री से अब्दुल्ला साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर फितराना देना हो तो ईद वाले दिन भी दे सकते हैं या ईद से पहले भी दे सकते हैं? जी बेहतर। और भी सवाल है कोई? और भी है कोई सवाल? जी और भी है, अगर कोई शख्स बाहर पर बैठा हो, अगर उसको मजबूरन उठना पड़ जाए, लेकिन अगर कोई बीमारी हो या कोई और वजह बन जाए तो उठ जाए, तो इसका कोई हदीयत बाद में देना पड़ेगा उसको? जी भाई, ये वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, अभी दोबारा भी पूछ लेते हैं, फितराना ईद वाले दिन नहीं के पहले?
ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा करने का हुक्म है जी। ठीक है, अगर ईद की नमाज पढ़ ली और फितराना रह गया तो फिर वो रह गया, वो फितराना नहीं होगा। ठीक है, क्या मतलब है कि वो जो दो मकसद के लिए वो दिया देना था वो दो मकसद फौत हो गए। एक था कि रोजे की कमी कुताही की माफ़ी, ठीक है, वो भी रह गई, और गरीब आदमी को खाना देना था वो भी रह गया। अब अगर नमाज के बाद अदा करेंगे वो तो आम सदका शुमार होगा, सदका फितर नहीं होगा, सदकतुल फितर वो नहीं होगा। और एतकाफ किसी वजह से छोड़ना पड़ गया, अगर छोड़ा है तो वो अगले रमजान में पूरा कर ले। ओके, हाँ जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शवाल में भी किया है। ठीक है, यानी रमजान में छोड़ा था तो शवाल में पूरा कर लिया था। ठीक है, तो अगर कोई शवाल में बैठ जाए या अगले साल रमजान में ही दोबारा उसको पूरा कर ले तो अदा हो जाएगा इंशाल्लाह जी। बेहतर। हिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे ये सवाल करना था कि हम अपने बेटे का नाम जो है मोहम्मद रख सकते हैं और खाली मोहम्मद जी, ठीक है, नाम तो पुकार सकते हैं, और दूसरा कि हम उसको डांट सकते हैं या नहीं जी। ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं बहन। मजेदार बात की है बहन ने। पहले तो नाम रखें मोहब्बत में कि अल्लाह के नबी के नाम पर नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उसको डांटने में भी डर लगता है। अच्छी बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा इजाज़त दी है कि मेरे नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। ठीक है, और इस्लामी तारीख देखें तो मोहम्मद नाम के आपको बीसियों नहीं सैकड़ों नहीं लाखों नाम मिलेंगे। और अभी मुझे चंद साल पहले की रिपोर्ट है कि यूके में जो सालाना बच्चों के नाम रखे गए तो उनका जब सर्वे किया गया तो मोहम्मद नाम के बच्चे टॉप ऑफ द लिस्ट थे। सबसे ज्यादा ये नाम रखा गया, सबसे ज्यादा यूके में रखा जाने वाला नाम मोहम्मद था। आहा। तो बच्चे का नाम जब आप आका के नाम पर रख रहे हैं तो फिर उस मोहब्बत का तकादा ये है कि आप उसको गालियां तो ना दें, बुरा भला ना कहें, तो डांट डपट हल्की फुल्की बच्चे वो तरबियत का हिस्सा है, वो तरबियत का हिस्सा है, वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस नाम को फिर बिगाड़ना, ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ मुआशरे में हर नाम को बिगाड़ दिया जाता है, ठीक है, तो फिर ये नाम को बिगाड़ना बेहतर जो गलत होगा। ठीक है, और इसको फिर गालियां देना नाम लेकर वो भी गलत होगा, तो इसकी क्या बहरल करनी पड़ेगी ना, इस नाम के तकद्दस का बहरल फिर इख्तियात करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, लेकिन नाम रख सकते हैं, रखना चाहिए जी। बेहतर जी, बेहतर। डॉक्टर साहब आपकी जानिब, हम रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों में दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और अपने नाज़रीन से भी शेयर कर रहे हैं कि रहमत की चंद साआतें हैं, इनको बहुत कीमती जाना जाए, और साथ साथ हम क़याम पाकिस्तान की भी जो है वो बात कर रहे हैं। तो सर ये फरमाइएगा कुछ हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को, अभी हम पहले भी जब तस्करा कर रहे थे कि हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, आपने वो बतलाया कि एक ही जगह पे 4000 मुसलमान कत्ल हो रही है, ये सिर्फ एक जगह की बात है और एक बंदे ने सिर्फ उस वक्त देखा और ना जाने कितनी सारी हैं, तो कुछ कुर्बानियों के बारे में बतलाइए ज़रा उससे, ताकि हमारी यूथ भी इंट्रैक्ट हो सके, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, किस कदर मुशक्क़तें हमारे बुज़ुर्गों ने उठाई हैं पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। जी बिला शुबा, असल बात यह है, मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक एंड पाकिस्तान स्टडीज़ का निसाब पढ़ाया जाता है, बहुत दुख और अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाने वाले अगर असातज़ा क़याम पाकिस्तान के वक्त के हालात और हवाल पर अच्छी तरह अगर तलबा को वो मैसेज कन्वे नहीं करेंगे तो फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बच्चों के दिलों में हम कैसे वो मतलब रह ही नहीं पाएगी, कैसे उसको इनक्रीज़ करेंगे। आप यकीन कीजिए कुछ अरसा पहले एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मेरी मुलाकात हुई, मैं हमारे हैरत के मेरी इंतहा न रही, कहने लगे आप खुद बताइए भला ये पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लाम में ये को पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, आप यकीन कीजिए मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने कहा सर बुक्शर बनेंगे, कसाब बनेंगे, ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, मरीजों के साथ खेलेंगे अगर इन्हें इस्लामी अखलाकियात और इंसान की जान की वक़्त और कदर कीमत यहाँ पर वो कहने लगे अच्छा चले वो तो ये पाकिस्तान स्टडीज की बताए क्या जरूरत है। अल्लाह हू अकबर। अब अंदाजा लगाइए जिस मुल्क को हम खा रहे हैं जिस मुल्क से जी, थाली है ये मेरे रिज़्क का सामान है, उन्हें उस आजादी की कदर कीमत का अंदाजा ही नहीं, और मैं हैरान हूँ कि अल्लाह के बंदो ये मेरा रिज़्क अल्लाह ताला ने इस सरजमीन से जोड़ा है, यहाँ से खाता हूँ मैं कहता हूँ ये मेरी थाली ये मेरी प्लेट कहीं उधर गिर जाए मैं उठा के फिर खाना शुरू कर दूँ, मेरे नज़दीक इतना लेस इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। वल्ला ये हमारे असातज़ा का हक बनता है जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ बच्चों को ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन्होंने बतानी है।
इनको बताना है हमारे पुरखों ने कहाँ कहाँ से किस हद तक कुर्बानियाँ दी। वल्ला हमने उन लोगों के तस्करे पढ़ पढ़ के, मैं तो यकीन कीजिए डॉक्टर सईद अहमद मलिक साहब का मैंने भी तस्करा किया, उनकी मुख्तसर ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, मेरी यकीन कीजिए 2-3 दिन तक तबीयत मुतगैर रही, और उन्होंने रिलायबल सोर्सेस थे, हैरान कुन वाक्यात उन्होंने रखे। वो हिंदुइज्म और वो यहूदियत जिनके यहाँ उसूल ही यही है, ये कोतलिया चांकिया इनके यहाँ पाया जाता है, मनु का कानून बहुत मारूफ है कानून हिंदुइज्म का, जिससे समझा जाता है, ये कोतलिया चांकिया का नाम उसमें बड़ा अहम है। वो लिखता है अपने दुश्मन को मार डालो, उसको तबाह करके ऊपर खड़े होकर फिर आंसू बहाओ, कहो कि हाय कितना अच्छा मेरा दोस्त था। ये तो हिंदुइज्म में वो उसूल हमें नजर आता है, मुनाफकत वाला उसूल, मुनाफकत की इंतहा है, बेरहमी से बर्बाद करते चले। देखिए ना मोहतरम ये गांधी साहब जो हैं, हम मतलब यहाँ उनका नाम कुछ इस पराय में तो नहीं लेते कि ज़ाहिर है किसी का लीडर है तो हम उसकी कोई हद तक नहीं कर रहे, लेकिन अफसोस ये कि वो अहिंसा का उसूल, गांधी जी उसके बड़े फैन थे, बड़े उसके मोतकिद थे, इसके बावजूद भी जनाब जब कहीं कत्ल आम की खबर मिलती तो वहाँ जाकर जनाब वो एक मगरमच्छ के से आंसू बहा देते कि जनाब ये यकीनन मुसलमानों का किया धरा होगा, मुसलमान का कसूर क्या था मुझे ये ज़रा गौर कीजिए। देखिए दो अकवाम है ना, दो रह रही हैं, एक मैं कहता है कि ये मुझे तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, भी मैं ये इलाका छोड़ के उधर जाता हूँ, ये गुनाह था असल में मुसलमान का। वल्ला तारीखी एदाद व शुमार बताते हैं कि 10 लाख लोगों का कत्ल, मगर कहा जाता है कि ये एक अंदाज़ा है, 16 से 20 लाख इंसानों का कत्ल, और मोर देन 1 लाख उन एक मुहतात अंदाज़ा उन मुसलमान बहनों बेटियों औरतों का जिन्होंने अपनी जानें कुओं में अपने आप को फेंक के गिराई, या भाइयों ने अपनी बहनों के अपनी गले खुद अपने हाथों से दबाए कि हम तो गए, तो अपनी इन बहनों को क्या इन दरिंदों के हाथों में हम छोड़ दें। अल्लाह की कसम वो खून चकां दास्तानें हैं जो हमारे नौजवान उससे बिल्कुल नवाकिफ है असल में, और हालत ये है कि वो बरकात का वो मामला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में, इस्लाम की सूरत में यहाँ दाखिल हुआ, वही मोहम्मद बिन कासिम जिसके मुतलिक हमें तारीख ये बताती है कि उसके बुत बनाकर हिंदू मंदिरों में पूजे गए कि ये भगवान का कोई अवतार है, ये कोई इंसान नहीं है। ठीक है, आज हालत ये है, हमने देखा 2 साल पहले की बात है, सिंध के अंदर राजा दाहिर की तस्वीर, उसके पोर्ट्रेट खड़े कर करके उसके सामने कैंडल जला के उसको सल्यूट किया जाता, यू आर द हीरो ऑफ द सिंध। एक सर एक कॉलर है अदनान हमारे साथ लाहौर से, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बेटा? बहुत शुक्रिया मेरे भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा मौलाना साहब से सवाल है, माशाल्लाह काफी जो है ना वो दीन के बारे में हम इसलिए बताते हैं, शुक्रिया अल्लाह ताला इनकी और हमारी जिंदगी आसान करे, आमीन। मेरी वालदा है, उनको जब नमाज पढ़ती है ना तो उनको जमाइयां बहुत आती है, एक तो ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये है वो नमाज पढ़ती है स्टूल पे जी, तो स्टूल पे ना वो हाथ अपने घुटनों पे रखती है, तो क्या ये सजदा करते वक्त ये ठीक है हाथ से आगे लेके जाती है सजदा करते वक्त? ठीक है जी अदनान साहब, अभी पूछ लेते हैं। जो जमाइयाँ जो हैं उनका हाल ये है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तो बाईं तरफ इस तरह थुतकार दें, नमाज के दौरान ही, नमाज के दौरान ही कह रहा हूँ, ओके। उसके अलावा जमाई को दबाने का हुक्म है कि जब जमाई आए तो मुंह को जोर से बंद कर लें, आगे हाथ रख लें, ठीक है, तो ये आप तजर्बा करके देख लेंगे, एक दो जमाइयों को जब आप रोकेंगे तो फिर वो आनी बंद हो जाएंगे। ओके, शैतान बहुत अजीब है, ये नमाज के दौरान भी तंग करता है अल्लाह, तो वो जमाइयाँ अगर तो जनवन नींद की वजह से नहीं आ रही जी, तो वो एक दो को आप दबाएंगे तो वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर ले लेंगे तो फिर वो सिलसिला चलता ज्यादा वो तेज हो जाएगा, तो ये हाल है उन जमाइयों का। ओके, और जो नमाज पढ़नी है तो वो हम पहले भी बता चुके हैं कि हाथ को इसी तरह रान के ऊपर रखेंगे या घुटनों के ऊपर, ठीक है, और रुकू के वक्त सर को झुकाएंगे थोड़ा सा और सुबहान रब्बी अलअज़ीम तस्बीहात पढ़ी, उठे और जब सजदा करना है तो हाथों को ऐसे आगे नहीं करना है, हाथ यहीं रहेंगे, ठीक है, और सर को हम ज़्यादा झुकाएंगे सजदे के लिए, या फिर ज़मीन पर सजदा करें, और अगर स्टूल पर या चेयर पर बैठ के कर रहे हैं तो हाथ यहीं रखेंगे, हाथों को आगे नहीं बढ़ाना, ठीक है जी, बेहतर। एक बहन है, उनका सवाल है, कहती हैं कि मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 6 साल है, और अब वो बहन माशाल्लाह उम्मीद से हैं, तो वो बच्चा बार बार उनको पूछता है, डिस्टर्ब करता है, उस
के बारे में पूछ पूछ के, तो वो परेशान हैं कि मैं अब उसको कैसे बताऊं या कैसे उसको किया जा सकता है कि वो कॉन्फिडेंट हो जाए या खामोश हो जाए और मत पूछे, या उसको कैसे बताया जाए। छः साल का बच्चा, वो मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है कि वो पूछता ये डिजिटल वर्ल्ड का बच्चा। अल्लाह अकबर। तो उस बच्चे की तवज्जो बहलाने के लिए उसको दुआएं याद करवाएं, ठीक है, बजाय इसके कि वो इस तरह के सीरियस सवाल जो अभी उसकी समझ से बहुत बाला हैं जी, ये सारी केमिस्ट्री उसको समझाना कोई आसान काम है? ये तो बाले बच्चों को समझाना भी, हाँ, इसको वक्त आएगा खुद ही समझ जाएगा वक्त के साथ साथ। तो अभी उसकी तरबियत की तरफ तवज्जो दें, ठीक है। जब वो इस तरह का सवाल करे तो उसको अल्लाह और उसकी कुदरत और उसकी सिफात याद करवाएं, ठीक है, बताएं कि वो अल्लाह ये है, उसकी कुदरत ये है, वो ये करता है, ये करता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आदात उसको सिखाएं और उसकी तवज्जो बटाएं, बजाय इसके ये संजीदा और पचीदा सवालात और इनका जवाब सिंपल दें कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाते हैं, बस काफ़ी है, ठीक है। अल्लाह ताला इन बच्चों को मजीद समझ अता फरमाए। तो ये सवाल इनके समझने के हैं, उधर तो आते नहीं हैं, और जो नहीं समझने के वो डिजिटल वर्ल्ड है सर। जनाब डॉक्टर साहब, आपकी जानिब सर एक बहुत बड़ा तबका, आपने उसकी जानिब इशारा भी किया था, वो ये बात कहता है कि अलग वतन हासिल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें इकट्ठे रहना चाहिए था और उसमें हमारे लिए तरक्की के ज़्यादा मौके थे और आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके थे, ज़्यादा अमन होना था, ज़्यादा तरक्की, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अगर ये मुल्क हम ना ले पाते, पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, 1939 से 1937 टू 40 ये दरमियानी अरसा है, 1937 था 1939, ठीक है, दो साल ऐसे गुजरे कि जब इस बात की इजाज़त दी गई कि जो भी सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा सीटें विन कर जाएगी, ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त देंगे। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ने इसका बायकॉट किया, भाई ये तो उसूल ही गलत है, हम ऑलरेडी मिनॉरिटी में हैं, वो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन बहरहाल मफाद परस्तों ने, थोड़े बहुत मुसलमानों ने जो उस वक्त कम्पीट कर लिया, ला मुहाला वो हार गए। इसका नतीजा ये हुआ कि दो साल के लिए हिंदू को हुकूमत करने की खुली अंग्रेज़ की जानिब से इजाज़त दे दी गई, आप गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है। यकीन कीजिए एक सेपरेट होमलैंड की तो बहस पहले से सालों से चल रही, ठीक है। नतीजा ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट हो गया, जी जी, दो साल में एक्सपेरिमेंट भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, मुसलमानों की आंखें खुल कर रह गईं कि अगर आज अंग्रेज ये मुल्क छोड़ जाए तो फिर हिंदू हमारे साथ क्या सुलूक करेगा, मुसलमान बच्चों को उनके स्कूलों में उल्टी वाली स्टाइल की धोती, जैसे गांधी जी का स्टाइल है, वो एक हिंदू का मखसूस अंदाज है, उसी तरह की पहनने के लिए ज़बरदस्ती कहा गया, वंदे मातरम का तराना ज़बरदस्ती पढ़ने पर मजबूर किया गया, जिसकी बुनियादी शिर्क है और तौहीद के तस्वुर से बिल्कुल अलग थलग है। मुसलमान बच्चे ये जिनको आज बड़ा मसला है ना, शुक्र अदा करना चाहिए, वरना अल्लाह की कसम आज गाय ही की पूजा करने वाले ये लोग पैदा होते, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले लोग पैदा ना होते। दो सालों के अंदर जो तलख तजर्बात हुए, 39 में जो ही अंग्रेज हिंदू ने हकूमत छोड़ी, उन्होंने अपने अंदाज में थ्रेट किया था अंग्रेज़ को, भाई अब हमने गवर्नमेंट संभाली आप छोड़ दें, उन्होंने सोचा भी हम इनको थ्रेट करेंगे लिहाजा ये मजबूर हो जाएंगे, उन्होंने कहा हम छोड़ दें, उन्होंने जी आप छोड़ दें, लो जी अंग्रेज़ ने दोबारा हुकूमत संभाली। कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा योम निजात मनाया जाएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बच गए हो। आप अंदाज़ा कीजिए 3 माह का दरमियान में वक्त है, 23 मार्च में, जब मुसलमान तन मन धन एक हो गए, अब पाकिस्तान का जो ऐलान नारा पहले तो टूटा फूटा या कमज़ोर था, अब तो ले के रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा, बट के रहे, इसके अलावा तो चारा ही कोई नहीं। वल्लाह ये आज बैठ के इस आज़ाद फिज़ा में बड़े आराम से हम लोग कह देते हैं कि पाकिस्तान ना होता, और जिन लोगों ने उस वक्त भी पाकिस्तान के क्याम की मुखालफत की, मोहम्मद अली जनाब साहब की एक बड़ी वाज स्टेटमेंट है कि आज वो लोग जो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, ये लोग ज़िंदगी भर गुजार देंगे हिंदू को अपना वफ़ादार साबित करने के चक्कर में कि भाई हम तुम्हारे वफ़ादार हैं, मगर वो तुम्हें वफ़ादार मानेगा नहीं। क्या हमें हिस्टोरिकल ये वाक़यात जो हैं मुसलमानों के साथ जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है और कश्मीर में जो सूरत हाल बन रही है, वो उन्हें से तो 1% भी हज़म नहीं होता मुसलमानों की आज वहाँ पर क्या हालत है, मेरे और आपसे कोई ढकी छुपी नहीं है। वो एक कॉलेज की एक मशहूर लड़की का वाक़या जो हुआ, जिसने नारा तकबीर बुलंद किया, बाद में उनके साथ मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया गया, वो भी हम सबसे ढका छुपा नहीं है।
मोदी ने गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम किया, क्या वो हमसे ढका छुपा है? बाबरी मस्जिद इस एहतमाल में गिरा दी गई कि नहीं जनाब, हमारा गुमान गालिब है यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, खुदाई के दौरान जनाब कोई ऐसी चीज़ निकल आई कि नहीं जी ये हमारे शिव जी का फलां है, मस्जिद तो गिरा दी गई। और जनाब उसका जो सालों बाद जाकर जो डिसीजन हुआ कि चलो इन मुसलमानों के ज़ख्मों पर भी एक हम मरहम रख दें, हम तुम्हें भी वहाँ जगह दे देंगे, तुम भी अपनी अलग मस्जिद बना लेना, ना तुम्हारी मसाजिद वहाँ महफूज हैं, ना मुसलमान की इज्जत जान अब माल आबरू महफूज है। हाँ वो अलग बात है कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान बना लेने के बाद इसका हकदार नहीं किया, ठीक है, ये हमारा फॉल्ट है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था जो आप वाकया जिस तरह बता रहे हैं कि अगर ये फैसला ना लिया जाता और अलग वतन हासिल ना होता तो आज हम भी हिंदुओं की गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। औलादें आज जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती हैं ये कभी मुसलमान जी बेहतर। हमारे साथ एक कॉलर हैं आयशा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम बहन। सॉरी बहन जी, आपका क्या सवाल है? मैंने पहले नंबर पे तो ये कहना है कि कितने प्रोग्राम हैं जो अफ्तारी से पहले हम नहीं देख सकते अफ्तारी की तैयारी में जी। तो वो प्रोफेसर साहब हमार लखवी साहब के जो है वो मतलब नहीं देख सके, मिस किए हैं। तो ये कहना था कि क्या ये प्रोग्राम रिपीट हो सकते हैं रमजान के साथ? बहन ये इस पे मैं अर्ज़ करता चलूं बहन, ये हमारे YouTube चैनल पे आप जाएंगी वहाँ पर मौजूद हैं डेली, जो ही प्रोग्राम होता है कंप्लीट होता है कुछ ही घंटों के बाद उसे YouTube पे हम अपलोड कर देते हैं। इसी तरह पैगाम टीवी का पेज है, पैगाम टीवी की वेबसाइट है, हर जगह पे ये कंटेंट मौजूद होता है, आप उसको बआसानी देख सकती हैं। आपके पास जो भी जरिया मौजूद है, आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल आसानी है। इंशाल्लाह बहन ये कंटिन्यू रहेगा। आप बस पैगाम टीवी को, पैगाम टीवी की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि खैर का और इल्म का और कुरान और सुन्नत का ये काम हम करते रहें, आमीन। और मेरा क्वेश्चन है कि मेरे दो प्लाट थे जो मैंने बेचे हैं, तकरीबन दोनों की मालियत जो है वो 85 लाख थी, ठीक है। तो उसका जो 3 साल के बाद बेचे हैं तो उसकी ज़कात का मैंने हिसाब किया बगैर ही सारे जो है वो जरूरतमंदों में, कोई बीमार है, कोई बच्चों की पढ़ाइयों पे और इस तरह जो है ना वो मैंने खर्च कर दी अपनी ज़ात से, नहीं मैंने खर्च किया मस्जिद में दी है और इस तरह। तो मैंने ये कहना था कि अब तो नहीं मुझे ज़कात देनी क्योंकि सारी मैंने अल्लाह की राह पे खर्च कर दी है सारे पैसे। आपने 85 लाख के जो 2 प्लॉट बेचे वो सारे के सारे अल्लाह की राह पे खर्च कर दिया माल? जी बेहतर है, जी बेहतर है बहन। अभी हम मुफ्ती साहब से इसकी रहनुमाई ले लेते हैं। बस वो खर्च करते वक्त नियत कर लेती ना कि जो इसकी ज़कात है वो भी और प्लस जो कुछ है वो मैं अल्लाह की राह में दे रही हूँ, तो सब कुछ अदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर नियत नहीं की थी फिर? नियत नहीं की तो ज़कात के लिए तो नियत जरूरी है। ओके, तो 85 लाख का प्लाट जो 2 बिके हैं तो उसकी जो ज़कात है वो तो अभी इनके पर जिम्मे है, ठीक है। और अगर ये देते वक्त उनके जहन में ये नियत थी कि मैं अपनी ज़कात भी दे रही हूँ और साथ में सदका भी कर रही हूँ तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल है जी। और अगर ज़कात की बिल्कुल नियत थी, नियत नहीं थी, आम सदका किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए और ज़कात की रकम बाकी है वो आइए अदा कर दें जी। बेहतर। एक सवाल है कि मामू वालदैन की मौजूदगी में, बच्चों के वालदैन की मौजूदगी में मामू अपनी भांजियों को पर्दे में कुछ कमी करने की बिना पर डांट डपट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। वालदैन अगर कोताही कर रहे हैं तो मामू वो भी उन बच्चियों का बहुत अहम रिश्ता है, ठीक है, वो भी उनको तंबीह कर सकता है। सही। चचा हो, ताया हो, कोई भी जो उनका करीबी रिश्तेदार मौजूद है तो वो अगर वालदैन की तवज्जो नहीं है, वो मशगूल हैं और बच्चियां कुछ कर रही हैं तो उसको बिल्कुल तंबीह करनी चाहिए, ठीक है। एक सवाल है कि मर्दों की निस्बत ख्वातीन जहन्नम में ज़्यादा तादाद में होंगी तो इस्लामी शरीयत में ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है ख्वातीन? अल्लाहु अकबर, ये इम्तियाजी सलूक नहीं है, ये अल्लाह का अदल व इंसाफ है। ये इम्तियाजी सलूक तो तब हो कि इनको ज़बरदस्ती वहाँ भेजा गया हो, तो ये तो अल्लाह का अदल व इंसाफ है कि जिसने जो किया, जो फसल बोई वही काटेगा। अच्छा, तो एक सहाबिया ने जुरूरत करके पूछा था कि अल्लाह के नबी औरतों की ही अक्सरियत जहन्नम में क्यों है, तो आपने 2 वजूहत बताई। फरमाया तुकसिर न लान व तकफुर न लाशीर। ओके, एक तो तुम खवातीन लान तान बहुत करती हो, गाली गलोच, और दूसरा तुम अपने खामंद की नशुक्री बहुत करती हो, ठीक है।
खामद अगर एक ज़िंदगी भर एहसानात कर रहा है और फिर एक दिन उस खामद से कोई नापसंदीदा चीज़ मिल गई देखने को, तो ये खातून कह उठती है, वल्लाही मा रअईतु मिनका खैरन कत, अल्लाह की कसम जब से तेरे साथ तल्लुक हुआ है मैंने कभी कोई खैर नहीं देखी तेरे घर। तो ये ज़िंदगी भर के एहसानात एक मिनट में मिट्टी में मिला देती हैं। तो ये दो वजूहात की बिना पर आपने फरमाया तुम ज़्यादा जहन्नम में जाओगी, तो अपने रवैये को दुरुस्त करने वाली खातून तो जहन्नम में नहीं जाएगी इंशाल्लाह। जो शुक्रगुजार हो, खावंद की फरमा बरदार हो, अल्लाह की फरमा बरदार हो, वो तो नहीं जाएगी उधर। ठीक है, तो ये जो जाएंगी उनकी ये खास वजूहात हैं, इन वजूहात को हल कर लें तो खातून भी जन्नती है, वो भी जन्नती है इंशाल्लाह। वसीम अकरम साहब झंग से हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए आपकी आवाज ताकि हमें क्लियर आ जाए। सर मेरा सवाल ये था कि अगर किसी के हाथ में मेहमान चला जाता है क्या उसका भी फितराना अदा करना पड़ेगा, क्या वो पहले से भी अदा कर चुका हो? जी ओके, और भी कोई सवाल है? दूसरा सवाल ये है सर, वो अपने एक दिन में 600-700 रुपये कमाएगा क्या उसका भी फितराना उसको भी अदा करना पड़ेगा? भाई आपका ये सवाल समझ नहीं आया, दोहरा दीजिए दूसरा सवाल। सर ये मैं कह रहा था एक आदमी एक दिन में 600-700 रुपए कमाता है, इसका गुजर बसर बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है जी भाई, अदा करना पड़ेगा। जी भाई अभी पूछ लेते हैं जी शेख, सदका फितर हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान खा वो छोटा, ये तो 700 रुपये कमाने वाला है जी। तो जो बच्चा दूध पीता है वो वो तो अभी दूध पीता है, वो तो कमाता भी नहीं है, उस पर भी सदका फितर वाजिब है। बिल्कुल सही। और जो खवातीन घर में रहती हैं कोई कमाई नहीं है उन पर भी वाजिब है। ठीक है, तो सदका फितर हर मुसलमान पर वाजिब है, वो देगा। ठीक है, अलबत्ता ये है कि अगर कोई अपने इलाके में इतना गरीब है कि उससे बड़ा कोई गरीब है ही नहीं, ठीक है, वो दूसरों से सदका ले रहा है, सही, तो वो लेने के बाद देखिएगा अगर उसको अपने इलाके में अपने से ज्यादा गरीब मौजूद हो तो अपना सदका फितर उसको दे दे। ठीक है, और अगर वो नहीं है मौजूद ही नहीं, वो समझता कि मेरे इलाके में सबसे ज्यादा गरीब मैं ही हूँ, तो वो दूसरों से जो ले रहा है वो खाए पिए ऐश करे उसका हिस्सा है, उसका ही हक है। और घर में कोई मेहमान आ गया उसका फितराना भी अदा, अगर वो पहले से वो कह रहे हैं कि अगर वो अगर वो दे चुका तो बस ठीक है, ठीक है, एक ही दफा देना है ना, अगर वो अदा करके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसने अभी तक अदा नहीं किया था तो मेज़बान खुशी से उसकी खिदमत इज्जत के लिए दे दे। सुभान अल्लाह, क्या। और अगर वो कह नहीं मैंने खुद दिया हुआ है तो फिर तो मसला ही आला है, जीवित है, दोबारा देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह खुद भी प्रोफेसर हैं और यूथ से आपका इंट्रैक्शन रहता है कसरत के साथ, तो ये जो हमारे नौजवान हैं वैसे तो बहुत पोटेंशियल हैं माशाल्लाह, इनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है, ये पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं या इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए इसमें कोई शक नहीं, नौजवानों की जो पोटेंशियल है माशाल्लाह, उनके अंदर जो तहरीक और रगबत होती है और काम करने की जो थ्रिल है, मैं ये समझता हूँ माशाल्लाह IQ लेवल हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे तलबा का, नौजवानों का बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। लेकिन इसके तनाजुर में मैं ज़्यादातर ये समझता हूँ जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, ये हमारे नौजवानों को बहुत मायूस कर रही है, हालात की तंगी जो है, फाइनेंशियल मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ नौजवान जो है वो अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज को वहाँ मायूसी की नजर करने को तैयार नहीं है। और एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में पिछले 1-2 सालों में हमारे पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क छोड़ चुका है, जी जी जी, एक परेशान कुन सूरत है बहुत ज्यादा। तो उसमें यह है कि अगर कुछ नौजवान हमने देखा है काम करना चाहते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, स्किल है, उनको वो हालात मुहैया नहीं किए जा रहे, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको खुद फाइनेंशियल क्रंच का सामना है, ठीक है, बजट की कमी का सामना है, कुछ ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे असातिज़ा को उसमें बेहतरीन रोल प्ले करना चाहिए, खुद वो थ्रिलिंग हो ताकि स्टूडेंट्स को उस काम के लिए उठाएँ। मैं ये समझता हूँ कि आज अफसोस के साथ कि हमारे तलबा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस डाउन की तरफ जा रहे हैं, डाउनफॉल की तरफ, कि अगर उन्हें तहरीक दिलाई भी जाए तो वो उसके लिए शायद तैयार नहीं होते। सही सही। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को एक तो ये कि जो मगरबियत का बढ़ता हुआ खौफनाक सैलाब है उससे बचना चाहिए, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करना चाहिए, नौजवान स्कॉलर्स और उलमा का एक सेटअप इतना मजबूत होना चाहिए जो नौजवानों को अट्रैक्ट करे और उनका ताल्लुक विल्ला मजबूत करे। जी बेहतर, उनको इखलाकी बुराइयों से। जी बेहतर। हमारे साथ शेर अब्बास साहब खुशाब से हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई TV का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आप ऑन एयर हैं, मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी सर, सारा सवाल ये है कि इत्तेकाफ के दौरान बंदा मोबाइल रख सकता है?
क्यों रखना है आपने अपने साथ मोबाइल? सवाल है, बंदा एक डाउट में है लेकिन उसके पास मोबाइल है, वो मोबाइल पे बात भी कर रहा है। जी अभी पूछ लेते हैं जी, इतकाफ के लिए अलग हुजरा ही क्यों बनाया है? बंदा घर में भी तो बात कर सकता है, ठीक है, मस्जिद पूरा सेन खुला कहीं भी बैठ जाए, फिर वो एक खैमा ही लगाने की ज़रूरत क्या थी? वो खैमा इसलिए लगाया कि तन्हाई मुयस्सर आए। और अभी इस साल मैं 2-4 मस्जिदों में गया हूँ, बड़ा हसीन इत्तेफाक हुआ कि बहुत सारे मोतकफीन किसी दूसरे इलाके से उस मस्जिद में आए हैं जहाँ उनको कोई नहीं जानता। ओके, पूछा कि भाई आप अपने घर के करीब वाली मस्जिद क्यों छोड़ के इधर क्यों आए? कहते हैं उधर कोई इत्तकाफ में बैठने कब देता है, कोई इधर से दोस्त आ गया हाल चाल पूछ रहा है, कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, तो जानने वाले वहां जाने नहीं छोड़ते, तो इसलिए छुप के यहाँ बैठे हैं कि इत्तकाफ में अल्लाह की इबादत करनी है, ठीक है, अपने रब से कुछ मांगना है, कुछ उसको राजी करना है, तो उसको राजी करने के लिए तन्हाई मुयस्सर थी इत्तकाफ की सूरत में। और अगर आपने उस तन्हाई को मजलिस बनाने के लिए मोबाइल फिर पास रख लिया, व्हाट्सएप ग्रुप चेक हो रहे हैं, फेसबुक चेक हो रही है, मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर तो इत्तकाफ का मकसद ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल को भी जिस तरह घर बार छोड़ा है, कारोबार छोड़ा है, दोस्तों को साइड पर किया है, तो इस मोबाइल को भी साइड पर कर दें जी, बेहतर। बहुत एमरजेंसी को ज़रूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर लें फ़ोन एक आध मैसेज, और आम तौर पर मोतकब में बैठ कर ये शख्स मोतकब जो है वो मैसेज चेक करे, कॉलें करे और फिर वीडियो इंजॉय करे, तो फिर ये इतकाफ के मकसद के बिल्कुल मुखालफ है, बिल्कुल ऐसी सही। हरकतों से मुकम्मल इज्तनाब करना जी बेहतर, जी बेहतर। डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान वजूद में आ गया और माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गई, इधर के लोग उधर और जो उधर के मुसलमान थे वो इधर आ रहे थे, और तो इब्तदाई तौर पे बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना रहा, बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए, उसके बाद यह कि लोगों के रोज़गार के मसाइल थे, फिर उनको अपनी जगहों पे सेटल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इदारे अभी वो इस आलम में नहीं थे कि वो सपोर्ट कर सकें, सिस्टम चला सकें, तो जो इतनी सारी पाकिस्तान के क़याम के साथ ही ज़िम्मेदारियाँ आन पड़ी और जो मुश्किलात आन पड़ी, उनसे कैसे निबरदाज़मा हुआ गया या उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया था? जी बिला शक व शुबा मुसलमानों के लिए ये बड़ा ही क्रिटिकल वक्त था, बहुत ही अजीब व गरीब सिचुएशन का सामना था। तारीखी एतबार से हमें बताया जाता है कि मुसलमानों के पास तो प्रॉपरली अपनी ऑफिशियल वर्क करने के लिए प्रॉपर बिल्डिंग्स भी नहीं, एग्जैक्टली उनके पास स्टेशनरी भी नहीं, एग्जैक्टली और वो जो रिकॉर्ड मतलूब था वो तो उन जालिमों ने या तो वहाँ पर कैप्चर कर लिया, रोक लिया, एग्जैक्टली या अगर वो इधर आ रहा था उसका जला दिया, जला दिया गया, या ढटाई का मुजाहरा करते हुए नहीं जाने दिया जी। तो ये यकीन कीजिए ज़ीरो से ये हमें काम करना पड़ा, बिल्कुल ज़ीरो से, इब्तदाई दर्जे से। कायद अजम मोहम्मद अली जना बजाते ख़ुद अपने आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हात में भी बिस्तर पर लेटे हुए भी ज़रूरी फाइल्स का मुतालिया कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, यकीन कीजिए कि ये रमज़ान मुबारक की ख़ास मेहरबानी, इनायत और अल्लाह की जानिब से ये बड़ा ही खासुल खास तोहफा था कि यह सरवाइव करता हुआ आज यहाँ तक मौजूद है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लिया, अल्लाह ने इस ख़ास महीने के अंदर हमें तोहफा दिया। हालात तो इतने क्रिटिकल और इतने नागुज़ीर और तकलीफ़ दे बना दिए गए कि शायद इस मुल्क का सर्वाइवल ही मुमकिन ना होता। तो यकीनन उन लोगों की जो सन्सैरिटी थी, उनकी पुरखलूस कुर्बानियाँ थी, उसी की वजह से ये मुल्क चलता हुआ आज हम ये समझते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह करीम बस अब इस पाकिस्तान को तरक्कियों की मनाजिल से हम किनार फरमाए। डॉक्टर ज़ाहिद लतीफ़ साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने रमज़ान की इन घड़ियों में हमें वक्त दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात इंशाल्लाह और ये मिलना हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा ले रहे हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज जो है हम इंशाल्लाह लैलतुल कदर की जस्तजू भी कर रहे हैं, आज चौथी ताक रात है इंशाल्लाह, वो जस्तजू भी जारी है और उसके मुतल्लिक जो बातें हैं इंशाल्लाह आपको उनसे भी आगाह करते रहेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा आ रहे हैं।
वंस अगेन वेलकम, पैगाम टीवी की ब्लेस रमजान ट्रांसमिशन है, सवाल व जवाब का सेशन है। 7:30 पे हम इसका आगाज़ करते हैं, आपकी कॉल्स लेते हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में अगेन ज्वाइन किया है, पहले भी हमारे पहले सेगमेंट में मौजूद थे हाफिज़ आशिक हुसैन भट्टी साहब, इनसे हमने हमदे बारी ताला सुनी थी। अब हमारे पास मौजूद हैं, आपको जनाब दोबारा वेलकम करते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। आपसे दरख्वास्त है आप हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। दरे खालिक पे खलकत को झुकाया कमली वाले ने। आहा, 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 क्या बात है। दरे खालिक पे खलकत को झुकाया कमली वाले ने। सबक तौहीद व सुन्नत का पढ़ाया कमली वाले ने। सुभानअल्लाह, दरे खालिक पे खलकत को लगे ताइफ में जो पत्थर न लब से बदुआ निकली। आहा, आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लगे ताइफ में जो पत्थर न लब से बदुआ निकली। सुभानअल्लाह। सबक सब्रो तहम्मुल का पढ़ाया कमली वाले ने। बेशक। दरे खालिक पे खलकत को झुकाया कमली वाले ने। सबक तौहीद व सुन्नत का हुए मबऊस तो रुक गई रसम दुख तर कुशी वाली। हुए मबऊस तो रुक गई रसम दुख तर कुशी वाली। जहाँ को शान बेटी का बताया कमली वाले ने। जहाँ को शान बेटी का क्या बताया कमली वाले ने। सबक तौहीद व सुन्नत का पढ़ाया कमली वाले ने। दरे खालिक पे खलकत को क्या बात, झुका लेते थे सर अपना शजर देखा हजर देखा। झुका लेते थे सर अपना शजर देखा हजर देखा। हर एक जा सर झुकाने से बचाया कमली वाले ने। दरे खालिक पे खलकत को झुकाया कमली वाले ने। सबक तौहीद व सुन्नत का सितारों की तरह जिनको मिला रुतबा जमाने में। सितारों की तरह जिनको मिला रुतबा जमाने में। अरब की खाक से उनको उठाया कमली वाले ने। दरे खालिक पे खलकत को झुकाया कमली वाले ने। सबक तौहीद व सुन्नत का क्या बात, क्या बात। बड़े खुशबख्त हैं दोनों अबू बकर उमर फारूक। क्या बात है। बड़े खुशबख्त हैं दोनों
अबू बकर उमर फारूक जिन्हें अपने रोजे में सुलाया कमली वाले ने, दरे खालिक पे खलकत को झुकाया कमली वाले ने, सबक तौहीद व सुन्नत का। क्या बात है जी, क्या बात है, माशा हुए दामाद पैगंबर वो उस्मान व अली हैदर, हुए दामाद पैगंबर वो उस्मान व अली हैदर, जिन्हें अपने घराने में मिलाया कमली वाले ने, जिन्हें अपने घराने में मिलाया कमली वाले ने, सबक तौहीद व सुन्नत का पढ़ाया कमली वाले ने, दरे खालिक पे खलकत को। क्या बात है, क्या बात है, हाफिज आशिक हुसैन भट्टी साहब माशाल्लाह, अल्लाहुम्म ज़िदहुम फ़ज़िद माशाल्लाह। जनाब मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर वक्त भी कलील है और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ फरमाइए। हमने पिछले 3 ताक रातों में भी, हमारे नाज़रीन ने भी, हम सब ने भी कोशिश की कि अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें, कुछ दुआ, कुछ कुरान पढ़ सकें। तो अभी मैं चाहूँगा कि आज भी ताक रात है, 4थी ताक रात है, आप दुआ फरमा दें, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुल ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا। اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب النار। اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب النار। اللهم إنا نسألك جنة الفردوس। اللهم إنا نسألك جنة الفردوس। اللهم إنا نسألك جنة الفردوس। يا إله العالمين ہم تیرے فقیر اللہ گناہگار، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ إله العالمين ہمارے چھوٹے اور بڑے، عمدن اور خطا، اعلانیہ اور خفیہ، اللہ ہر طرح کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمان دنیا میں بڑے دکھی ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ محکوموں کو آزادی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اہل کشمیر، اہل فلسطین کی مدد فرما۔
अल्लाह उनको इस जुल्म से निजात अता फरमा, अल्लाह उनकी अपनी ख़ास मदद अता फरमा। या रब्बल आलमीन वतन अजीज पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजल फरमा। या रब्बल आलमीन अपनी रहमतें और बरकतें नाजल फरमा। इलाहल आलमीन बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह रूहानी और जिस्मानी कुव्वत और ताकत अता फरमा। या अल्लाह पैगाम टीवी तेरे दीन की खिदमत कर रहा है, अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। अल्लाह जितने कारकुन तेरे दीन को फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमारी मेहनतें और कोशिशें कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे इस अमल को अपनी रज़ा का बायस बना ले। या अल्लाह इस पैगाम के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुँचा दे। अल्लाह इस पर ख़र्च करने वाले, इसके साथ तावन करने वाले, इसके लिए अमल करने वाले सब को जदाए खैर अता फरमा। अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह उनको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्ला मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपके आने से बहुत सारे हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीज़ होते हैं, सवाल कर लेते हैं, उसका जवाब हासिल कर लेते हैं। अल्लाह आपको सलामती दे। हाफिज़ आशिक हुसैन भट्टी साहब, जनाब आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत सफ़र करके आए। जज़ाकल्ला, आपने हमद भी सुनाई, नात भी सुनाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स शामिल करें आपकी, और आपसे ये दरख्वास्त करेंगे जब आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, और आप टेलीफोन कॉल पे अगर तवज्जो करेंगे तो आपको बात करना भी आसान रहेगा। आपकी तवज्जो उधर रहती है तो बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होता है, आपका भी और हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का भी। अब तक लिए यही, कल इंशाल्लाह 4:30 पर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।